श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। वंशनिकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम। श्री राम चंद्र कृपाल कुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम। शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम। आजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम। आजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री राम श्री राम श्री राम शंकर शेष मुनि मनरंजनम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनरंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल दुगंजनम। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंज लोचन कंज मुख कर कंज श्री राम श्री राम श्री राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा जय जय प्रभुपा जय जय प्रभुपा जय जय प्रभुपा हरि बोल नेताए गौ।
गौर हरि बो गीताय गौर हरि बो हरि बो हरि बो हरि बो हरि नाम संकीर्तन की जय सियावर रामचंद्र भगवान की जय जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सुपदांतिकं वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे मुखम करोति वाचालं पंगुं लंगायते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंदमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं हरे कृष्णा। तो कल हम श्री राम जी की महिमा की क्या महिमा है कल इसकी चर्चा कर रहे थे। साथ ही हमें समझना पड़ेगा कि क्योंकि रामचंद्र जी आते हैं और बहुत ही कनेक्टिंग फॉर्म में आते हैं, उनका व्यवहार इज वेरी आइडियल, बहुत ही आदर्श पति के रूप में भी हैं, एक आदर्श मालिक के रूप में भी हैं, एक आदर्श पुत्र के रूप में भी हैं, सब तरह से बहुत आदर्श हैं श्री रामचंद्र। इसलिए कई बार लोग इसलिए भी माइथोलॉजी बोलते हैं रामायण को, रीजन बीइंग इट्स टू आइडियल, टू आइडियल, इतना कैसे होता है, इतना कैसे हो सकता है। साथ ही ना रामायण इसलिए भी बहुत विख्यात है बिकॉज रामायण इज फुल ऑफ सैक्रीफाइसेस, एक दूसरे के लिए सब सैक्रीफाइस करते हैं। कौन सैक्रीफाइस करता है? एक लौता जो सैक्रीफाइस कर ले खून चूस लेती है उसकी दुनिया, कहता है वो सैक्रीफाइस करता है, देख उसका चूस लेंगे अच्छे से हम लोग। लेकिन यहाँ पर ना सब एक दूसरे के लिए सैक्रीफाइस करते हैं, ऐसा सुंदर रिश्तों का ताना बाना है रामायण। तो रिश्तों का ताने बाने को लेते हुए भी लेकिन फिर भी दिव्य है रामायण। और इतने सारे लाइफ लेसन अगर आप पूरी रामायण पढ़ेंगे ना, ओ माय गॉड दैट्स रियली अमेजिंग। एक बहुत ही अच्छे वक्त है हमारे स्कॉन के अंदर, उनका नाम है शुभ विलास प्रभु। शुभ विलास प्रभु ने द गेम ऑफ लाइफ करके सीरीज निकाली है रामायण के ऊपर, वाल्मीकि रामायण के ऊपर, और उसमें उन्होंने इतने सारे लेसन दिए हैं रामायण में से, रियली अमेजिंग। तो उन्होंने वाल्मीकि रामायण से लिया प्राइमरी और थोड़ा कुछ दूसरी रामायण से भी लिया, जैसे रामचरित मानस से उससे भी लिया। मानस भी अपने आप में इतना कंडेंस्ड है कि आचार्यों ने टीकाएं लिखी हुई है रामचरित मानस के ऊपर, हर एक खंड के ऊपर देयर आर कॉमेंट्रीज, उसको बोलते हैं मानस पीयूष, अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो अमेजोन से खरीद भी सकते हैं। पर हर एक खंड के ऊपर देयर इज कॉमेंट्री बाय वेरियस आचार्यस। लेकिन राम जी की जो लीला है इज वेरी वेरी फेमस ऑल अक्रॉस द ग्लोब। रामायण सुनी जाती है, इनेक्ट की जाती है, उसमें डांस परफॉर्मेंसेज होती हैं, उनमें बुक्स लिखी गई हैं, नेशनल बुक्स हैं कुछ कुछ देशों की बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ लॉर्ड श्री राम। जैसे कि अगर आप जाएंगे इंडोनेशिया, एक्सक्यूज मी थाईलैंड, थाईलैंड में वहां पर राजा के नाम हुआ करते हैं राम वन, राम टू, राम थ्री, राम फोर, ऐसे करके। और साथ ही थाईलैंड था, थाईलैंड, थाईलैंड का पहले नाम था श्याम। अरे प्रभु जी कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ऐसे पहले उसका नाम था श्याम, बाद में फिर वहां लिबरल्स आए तो उन्होंने उसका नाम कर दिया थाईलैंड, थाईलैंड मीन्स फ्री लैंड, तो इसलिए फिर उसका नाम थाईलैंड पड़ गया। पर ऐसे उसका नाम पहले था श्याम। और वहां की जो नेशनल बुक है उसका नाम है रामकीन, यानी कि राम की महिमा। तो ये उनकी वहां की नेशनल बुक है एक्चुअली। और साथ ही अगर आप इजिप्ट चलते हैं, इजिप्ट में वहां पर स्थान है खुर्दिस्तान, खुर्दिस्तान में वहां पर 247 कार्विंग्स हैं रामायण के ऊपर। अगर आप जाएंगे गुफाओं के अंदर बाहर 247, इराक जैसी जगह पे जो कि मुस्लिम देश है,
वहां पर भी, मतलब मिटाते मिटाते भी ये बच गई है, 250 बच गई है अभी भी, 247 कार्विंग्स आर स्टिल देयर। उसमें कहीं जहाँ पर राम जी हैं धनुष के साथ हैं, हनुमान जी उनके चरणों में बैठे हुए हैं और साथ में लक्ष्मण उनके साथ हैं, कुछ जगह पर सीता मैया हैं, कहीं पर दशरथ महाराज हैं और उनकी सभा में सब नृत्य कर रहे हैं ऐसा, तो कहीं पर राम और सीता मैया साथ में लव और कुश भी हैं। इस प्रकार की 247 कार्विंग्स हैं, कहाँ पर? इंडिया में, कुर्दिस्तान। कहाँ पर? इराक के अंदर। ऐसे अगर हम इजिप्ट में जाएं, इजिप्ट का नाम पड़ा अजपति से, अजपति से आया इजिप्ट, और वहां पर राजा का नाम हुआ करता है रामेसिस, रामेसिस वन, रामेसिस टू, रामेसिस थ्री। सो राम तो राम, एसिस का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव, उनका प्रतिनिधि, यानी राजा जो है वो रामचंद्र जी का प्रतिनिधि है। सो इसलिए हमारे राजा का नाम क्या? रामेसिस वन, राम जी का प्रतिनिधि वन, राम जी का प्रतिनिधि टू, राम जी का प्रतिनिधि थ्री। अच्छा, तो क्वीन होती है वो कौन होती है फिर? तो जो क्वीन है उसका नाम होता है सीता मैन, सीता मैन वन, सीता मैन टू, सीता मैन थ्री। राजा कौन? रामेसिस वन, रामेसिस टू, रामेसिस थ्री। सो क्वीन इज सीन एज रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि ऑफ सीता मैया, यस। साथ ही इजिप्शियन है, दे वर्शिप सन गॉड। Why? क्योंकि राम जी कौन से कुल में आए? सूर्यवंश में, यस। सो रा, रा करके आता है उनके जो जिनकी उपासना करते हैं, क्यों? क्योंकि इसी लीनेज में आए श्री रामचंद्र। लेकिन वहां पर जो रामचंद्र जी का और जो डिस्क्रिप्शन आता है विद डिफरेंट नेम, तो राम जी का नाम है वहां पर अमुनरा, यानी कि जो रा यानी सूर्य के वंश में आए अमुनरा, और वहां लक्ष्मण जी का नाम है खुनसू और सीता मैया का नाम है मुठ। सुमुट, खुनसू एंड अमुनरा, तो अमुनरा और खुनसू ने धनुष लिया हुआ है और उनके बीच में चलती है सीता मैया, यानी मुट। मैं कहां की बात बता रहा हूं? इजिप्ट की बात बता रहा हूं। ये मैं आज जो पूरा मुस्लिम देश बन चुका है, लेकिन वहां पर अगर आप रूट जाके देखेंगे ऐसा वहां पर, इनफैक्ट वहां पर रामचंद्र जी का जो मुकुट है उसमें ईगल बना हुआ है, और वो ईगल कौन है? गरुड़ जी, यस। और वहां पर दिखाया है कि अमुनरा यानी कि राम जी बैठे हुए हैं और उनके चरणों से एक नदी निकल रही है। भगवान के चरणों से कौन सी नदी निकली जी? गंगा, गंगा मैया। तो गंगा मैया भी वहां पर इस प्रकार से। साथ ही वहां पर यह बताया गया जो खुनसू है यानी कि लक्ष्मण, लक्ष्मण लक्ष्मण इज अ ह्यूज स्नेक, बेसिकली वो कौन है? अनंत शेष। अनंत शेष का मतलब होता है जो भगवान की अनंत सेवा करे, उसके बाद जो शेष बच जाए वो भी कर दे, दैट इज अनंत शेष। तो बताया गया कि अनंत शेष वहां पर है खुनसू, यानी कि जितने भी ब्रह्मांड इत्यादि हैं, जो पृथ्वी इत्यादि जितने भी लोग हैं, ये सब रेस्ट करते हैं खुनसू के फन पर। ये कौन सा सांप है जी जिसके फन पे सारे प्लैनेट्स आर हैविंग फन? खुनसू कौन? लक्ष्मण, लक्ष्मण जी के बारे में बताया गया है। और साथ ही टर्की की एक क्वीन हुई थी, टर्की अगेन अ मुस्लिम देश, और रानी का नाम था खुसलिया। खुसलिया का कहां से आया शब्द? कौशल्या से। सो कौशल्या मैया के नाम पे वहां की रानी का नाम हुआ कुसलिया। अब और आगे बढ़ते हैं यूरोप की ओर। यूरोप में इटली की राजधानी क्या है? रोम। रोम का नाम पड़ा राम जी के नाम पे। प्रभु जी ऐसा कैसे? जैसे हम हिंदी बोलते हैं नास, नासिका, नास बन गया नोज, आ ओ हो गया, उस तरह से राम क्या हो जाएगा? रोम। अच्छा, तो उस शहर का नाम रोम किस दिन रखा गया? उस दिन तारीख थी 21 अप्रैल 753 BC। उस दिन क्या था? उस दिन थी राम नवमी। राम नवमी के दिन रोम का नाम रोम रखा गया श्री भाई साहब। और एक कोने में रखा गया रोम और दूसरे बिल्कुल ऑपोजिट कॉर्नर में जो है वो है रेवेन्ना। तो एक तरफ है रोम, दूसरी तरफ है रेवेन्ना। रेवेन्ना कहां से आया? रावण से। कि अगर आप राम जी की साइड में नहीं हो तो किसकी साइड में हो फिर? रावण की साइड में हो आप, यस। इसलिए एक एंड पर रखा गया है रोम, दूसरे एंड पर है रेवेन्ना, एक तरफ राम एक तरफ रावण। वेटिकन सिटी का नाम सुना आपने? क्रिश्चियनिटी के लिए विख्यात है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी का नाम वाटिका से आया। कौन सी वाटिका? अशोक वाटिका, जहां पर सीता मैया इतने समय रही, अशोक वाटिका। पर वो सोचते हैं लेकिन अशोक वाटिका, सीता मैया तो वहां बड़े दुख की स्थिति है, ऐसा क्यों उस वाटिका नाम अशोक वाटिका? उस वाटिका का नाम होना चाहिए शोक वाटिका।
लेकिन उसका नाम क्या है? अशोक वाटिका, यानी वहां शोक नहीं है। क्यों? तो चाहे कितनी विकट परिस्थिति हो, लेकिन जहां श्री राम जी का स्मरण है, ऐसे में शोक बन जाता है अशोक, तो इसलिए वो हो गई अशोक वाटिका। तो इसे सीता मैया की स्मृति में वो स्थान था वाटिका, लेकिन उसमें से वाटिका बन गया वेटिकन, और फिर बाद में बन गया वेटिकन सिटी, ऐसा ऐसा। साथ ही रशिया में एक नदी है, नदी का नाम ही है सीता। वहां पर दो और नदियां बहती हैं, एक का नाम है काम नदी, एक का नाम है मोक्ष नदी। ये सुना है कहीं आपने? धर्म अर्थ काम मोक्ष, ठीक है। इसमें जो मोक्ष नदी है वो सीता मैया की ओर जाती है, और जो काम नदी वो सीता मैया से अलग चलती है। यानी कि अगर आपको सीता मैया के पास जाना है तो आप कौन सी नदी पकड़नी पड़ेगी? मोक्ष नदी। लेकिन अगर आपने काम नदी पकड़ ली तो आप कहीं और निकल जाओगे। तो मोक्ष और काम ये अलग अलग रास्ते हैं जी। तो सीता मैया के पास क्या मिलेगा आपको? मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, भगवान की सेवा मिलेगी, ऐसा। साथ ही वोल्गा नाम का स्थान है रशिया के अंदर, वहां पर भगवान विष्णु के विग्रह हैं, और उनमें से एक विग्रह श्री रामचंद्र जी के भी हैं और एक नरसिंह भगवान के भी हैं। नरसिंह भगवान का एक बड़ा विशेष रूप हुआ था, उसको बोलते हैं गंड बुरुंडा। गंड बुरुंडा वैसे क्या है? अवतार भगवान नरसिंह भगवान का, जिसमें कि है तो ईगल शेप में, लेकिन उसके दो मुख हैं, ऐसा। जैसे पुराणों में कथा ये भी आती है कि जब नरसिंह भगवान जब बहुत उग्र हो रखे थे, तो उनके इस उग्र रूप को शांत करने के लिए, कोई शांत कौन शांत करेगा, लक्ष्मी से बोला आप थोड़ा शांत करेंगे, हस्बैंड बड़े गुस्से में, अरे नहीं आज उनका मूड बहुत ज्यादा खराब है, बात तो बिल्कुल नहीं। तो नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को वध भी कर दिया, उसके बाद भी अभी भी चिंगाड़ रहे हैं वो। तो उस वक्त फिर शिवजी ने बड़ा सुंदर अवतार लिया शरद नाम का, और वो जो अवतार लिया तो उन्होंने भी दहाड़ा कि देखो हम भी आपके साथ हैं, आप अकेला ना समझे अपने आप को। जब दोनों दहाड़ रहे थे तो उस वक्त फिर भगवान विष्णु ने ही अपना एक और विशेष अवतार लिया गंड बरुंडा, दोनों बताने के लिए बस अभी हो गया, इट्स ओके। तो ये जो फॉर्म है ये डबल हेडेड ईगल की फॉर्म है, ये रामेश्वरम में भी मिलती है और रशिया की जो करेंसी है उसके पीछे भी मिलती है, ऐसा। सो वहां पर भी इसके अवशेष पाए जाते हैं। साथ ही बर्मा में रामायण पाई जाती है, उसका नाम है यमायन, क्योंकि राम को वहां बोला था यामा, ये यमराज वाला यम नहीं है, ये यमा, तो वहां पर है यमायन। और सीता मैया का नाम है मिठीडा, सीता मैया का नाम है मिठीडा। कंबोडिया में जो उनकी नेशनल बुक है उसका नाम है रामकैल्टी, यानी कि राम की कीर्ति। तो राम की कीर्ति को लेकर वहां की नेशनल बुक है, कहां की? कंबोडिया, ठीक है जी। इसी प्रकार से मलेशिया में जो बुक है जो कि भगवान श्री रामचंद्र जी के ऊपर आधारित है, उसका नाम है हिकायत श्री राम, और उसमें ऐसे सीता मैया भी है, राम जी भी है, रावण आता है और सीता मैया का हरण करता है, दैट इज इट, हिकायत श्री राम, कहां की? मलेशिया। इस तरह से इंडोनेशिया में रामायण है, उसका नाम है काकाविन रामायण, सेम स्टोरी, उसी पूरा ड्रामा भी होता है इसमें, सीता राम लक्ष्मण हनुमान सब है इसके अंदर, ऐसा। तो वहां पर काकाविन रामायण, कहां पर? इंडोनेशिया में। जापान, फिर जापान में भी रामायण है, जापान में रामायण के दो वर्जन है, जैसे हमारे यहां दो वर्जन विख्यात है ना, एक है वाल्मीकि जी की रामायण, दूसरी है रामचरितमानस। उसी प्रकार से जापान में एक है होटुबिशुत्सु और दूसरी है संबो इकोटोबा, ये दो रामायण के वर्जन मिलते हैं वहां पर। अच्छा, जापान में दो दो रामायण, अरे इतना तो हमने कभी सोचा नहीं था रे। इस तरह से फिलीपींस में आते हैं, फिलीपींस में महाराधिया लवाना रामायण वहां मिलती है, क्या किस नाम से? महाराधिया लवाना, यस। और वहां की जो डांस फॉर्म है जो कि पूरी रामायण को दिखाती है, और ये पूरा एक हफ्ता चलती है डांस, एक हफ्ता, इस डांस फॉर्म का नाम है सिंकिल। ये सिंकिल नाम की डांस परफॉर्मेंस जो कि फिलीपींस में होती है रामायण को बताते हुए, 7 days परफॉर्मेंस, रोज दो दो घंटा दिखाया था रामायण को, ऐसा सिंकिल। और रामायण का नाम क्या है यहां पर? महाराधिया लवाना, चाइना। अरे चाइना में रामायण, हाँ जी। तो चाइना में एक साधु, उनका नाम था लिंडू जी जुंग, और लिंडू जी जुंग ने एक बुक लिखी थी और इस बुक के अंदर सुन बू कोंग करके डिस्क्रिप्शन आता है रामायण का, और उसमें जो एक मंकी भी है जो कि राम जी की सेवा करता है, वो कौन है? हनुमान जी, ऐसा। अरे वाह, चाइना में भी, क्या बात है। तो चंगू की बात कर दी आपने, मंगू के बारे में बताइए, मंगू में भी है क्या? मंगू कौन? पाकिस्तान।
कहता पाकिस्तान में भी थे क्या राम जी? हाँ जी, लाहौर जो है वो लाहौरी नमक के नाम पे नहीं है, लगता वो लाहौरी नमक मिलता होगा वहां पर जिससे लाहौर होगा ना। लाहौर एक्चुअली केम फ्रॉम लवपुरी, वहां पर लव कुश में लव को स्थान दिया गया था टू रूल, कुश को स्थान मिला था अफ्रीका में, लव को मिला था ये स्थान लाहौर, लवपुरी, लवपुरी बाद में हो गया लाहौर, ऐसा जैसे रामनगर बन जाता है रहमत नगर उस तरह से। लेकिन वहां रूल कौन करते थे? लव, आउट ऑफ लव ही यूज टू रूल। इस तरह से राम जी की कीर्ति सिर्फ भारत में ही नहीं है, इराक में भी है, वो टर्की में भी है, इंडोनेशिया में भी है, फिलीपींस में भी है, जापान में भी है, चाइना में भी है, कंबोडिया भी है, मलेशिया में भी है, रशिया में भी है, यूरोप में भी है, पूरे जगत के अंदर वास्तव में राम जी की महिमा रही है। इसलिए भी सीख, चाहे लोगों ने कितने अवशेष मिटाने का प्रयास किया, कुछ ना कुछ ना कुछ मिल जाता है। इनफैक्ट जो एक मंकी आर्मी थी जो कि सीता मैया को ढूंढने के लिए गई थी, दे वेंट टू साउथ अमेरिका ऑल्सो। यस, और ये डिस्क्रिप्शन पता लगता है कि रामायण के अंदर आता है कि एक ऐसा स्थान था जहां पर की पहाड़ी जो है वो त्रिशूल शेप में थी। और अगर आप नासा की सैटेलाइट देखते हैं, साउथ अमेरिका में एक बहुत बड़ा स्थान है, वहां पर त्रिशूल रूप में पहाड़ है, और वहां पर भी ये मंकी आर्मी गई थी सीता मैया को ढूंढने के लिए कि अगर हो सकता समुद्र पार गए हैं तो एक तो यह है लंका, दूसरा हो सकता है साउथ अमेरिका हो। वहां तक गई थी एक मंकी आर्मी की टुकड़ी। माय गॉड, तो इस प्रकार से राम जी की कीर्ति रामा कैरिटी वाज ऑल अक्रॉस द ग्लोब। तो मैंने सुना चाहिए हमारे अयोध्या तक ही लोग जानते होंगे राम जी को, बाकी जगह कहाँ ही जानते होंगे ना जी, ना ऐसा नहीं है। तो राम जी विख्यात रहे हैं ऑल अक्रॉस द ग्लोब। सो राम जी का जो प्राकट्य है इज वेरी डिवाइन, वेरी डिवाइन। अब दशरथ महाराज है, दशरथ महाराज के पास सब कुछ है, धन ऐश्वर्य सब कुछ है, लेकिन बस एक ही चीज नहीं है, आगे परिवार को कौन बढ़ाएगा, हु विल कैरी फॉरवर्ड द लीनिएज। अयोध्या, अयोध्या इतना सुंदर स्थान, अयोध्या जहां युद्ध नहीं होते, वेयर देयर इज नो वॉर, देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट, ना अंदर युद्ध ना बाहर युद्ध, नोबडी कैन फाइट विद अयोध्या। ऐसे ऐसे वॉरियर्स हैं अयोध्या के अंदर, अरे अद्भुत। लेकिन इतनी सुंदर अयोध्या है जिसका ऐश्वर्य अद्वितीय है, इवन स्वर्ग के लोग भी सोचते थे इतना ऐश्वर्य तो स्वर्ग में भी नहीं जितना अयोध्या में, इतना ऐश्वर्य था अयोध्या के अंदर। अयोध्या के अंदर देयर वर रोड्स लाइक दिस, एक ऐसे रोड, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, और इसके बीच में रोड्स के बीच में यहां पर सारे मकान थे, तो कहीं भी पहुंचना बहुत आसान था अयोध्या के अंदर। सब कुछ है, बस एक ही चीज नहीं है, हु विल टेक केयर ऑफ द किंगडम। उनकी बेटी थी शांता, लेकिन शांता नाम की बेटी तो थी लेकिन शांति नहीं थी उनके जीवन में। तो सब कुछ है लेकिन जो चीज एक चीज नहीं है ना, वहां पे मन अटक जाता है। जैसा कि दांत में अगर सौंफ फंस जाए क्या होता है, जीभ बार बार वहीं जाती है जहां पर सौंफ होती है। तो हम जो ऐसे सीधे निकले तो फिर हुआ कर, तो वहां मैंने रिक्शे वाले को बोला क्या हो गया, तो जी को बोले ना बाकी जगह भी घूम ले, वहां तो सौंफ नहीं फंसी हुई, जी को बोले थोड़ा यहां चली जाए, फंस गई सौंफ तो यहीं फंसी है। तो जहां सौंफ फंसी होती मन बाहर, तो बार बार जी वहीं जा रही होती, वहीं पर बार 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 बार। उस तरह से आपके जीवन में सब बढ़िया चल रहा होगा, लेकिन एक जगह पर जहां किरकिर होगी ना, वहीं पर मन लगा रहेगा, भाई यार क्यों ऐसा, क्यों भाई ऐसा क्यों हो गया यार, क्यों कह। लेकिन सर बाकी सब कुछ अच्छा भी तो लाइफ में है, तो क्या करें उसका, ये तो दिक्कत है ना। तो ये मन का स्वभाव है, आपकी लाइफ में 99% अगर सब अच्छा भी चल रहा है, लेकिन 1% जहां पर किरकिर होगी ना, उस किरकिर में ही मन लगा रहेगा, ऐसा 99, अरे छोड़ यार। सुदर्शन महाराज सोचते सब कुछ अच्छा है, धन धनाढ्य ऐश्वर्य सब है भाई, प्रसिद्धि भी है, इतने नौकर जागर सब है, सब खुशहाली है, लेकिन पुत्र नहीं है। तो उनके जो दोस्त थे, तो रोमपद महाराज, उन्होंने कहा तुम्हारी कम से कम बेटी तो है, मेरा तो कुछ भी नहीं है, ना बेटी ना बेटा। उन्होंने कहा ठीक है मैं अपनी बेटी तुमको देता हूँ। तो उन्हें बेटी शांता दे दी रोमपद महाराज को। ओके, अब
ये सोचते देखिए ना, बेट पुत्र होते वाला कैसे हो, अभी कितने अश्वमेध यज्ञ कर चुके थे, अश्वमेध यज्ञ कितने ही करा लिए, खर्चा भी होता है अश्वमेध यज्ञ कराने में, लेकिन क्या करें, बेटा तो हो नहीं रहा। तो मंत्री ने कहा जी ऐसे हम यज्ञ गलत कर रहे थे। गलत कर रहे थे, कौन सा यज्ञ करना चाहिए? ये बड़ा विशेष यज्ञ होता है, उसमें तो पुत्र की प्राप्ति होती ही होती है, उसका नाम है पुत्र कामेष्ठी यज्ञ। तो पुत्र कामेष्ठी यज्ञ तो अभी तक हमने क्यों नहीं किया? कहते उसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि इसको करने वाला पुजारी वो होगा जिसने कि पैदा होते हुए स्त्री का चेहरा ना देखा हो। कहते ये कैसे संभव है, बच्चा पैदा होते ही नर्स को देख लेता है, माँ के पास जाएगा, माँ का स्तनपान करेगा, माँ को देख लेगा। कहते ऐसा कैसा बच्चा होगा जिसने देखा ही ना हो, अब क्या करें जी? कहते एक है, ऐसा कौन है जी, ऐसा कौन है जो कि जिसने पैदा हुआ हो? कहते हाँ जी, एक बहुत ही विशेष व्यक्ति है, उसका नाम है ऋष्यशृंग। ऋष्यशृंग ये कौन है? उन्होंने कहा महाराज हम आपको बताते हैं, ऋष्यशृंग जो है ये पैदा हुए थे वोमडक ऋषि से। कैसे? वोमडक ऋषि ना ही वॉज वेरी पावरफुल, इतने ज्यादा तपस्वी थे। अब कोई व्यक्ति बहुत तपस्वी होता है ना, सो इंद्र थोड़े इनसिक्योर हो जाते, कहते बड़ी तपस्या कर रहा है, इसने ब्रह्मा जी से मांग लिया मुझे इंद्रासन चाहिए, मेरी तो गद्दी गई। फिर तब सलाम को भेजा करते थे, जाओ तुम थोड़ा तकदिन करो, तकदिन करते, लेकिन इन पर फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं बेकार परफॉर्मेंस, क्या करें भाई। इंद्र ने कहा ऐसी मेरे यहाँ का जो है ना माल इतना अच्छा है नहीं, मेरे को थोड़ा हाई क्वालिटी की अप्सरा चाहिए होगी, हाई क्वालिटी अप्सरा चाहिए। तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, तो ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास उन्होंने जाके प्रपोजल दिया। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हें शर्म आनी चाहिए, किस तरह की तुम मतलब प्रपोजल लेके आते हो, मैं तुमको लड़के सप्लाई करूँ मैं? कहते नहीं जी, मैं वैसे सप्लाई की बात नहीं कर रहा हूँ, बस वो जाके थोड़ा सा रिझा लेगी ना, तो वो वोमडक ऋषि थोड़ा सेटल हो जाएंगे, गृहस्थ जीवन भी अच्छा है, कांग्रेगेशन डिवोटी बनना है अच्छा रहता है, कैन बी गुड कांग्रेगेशन डिवोटी। इतना आग्रह किया तो उन्होंने अपने यहाँ की एक अप्सरा को दिया, उसका नाम था हंसा। अब हंसा गई, उसने इतनी सुंदर वेश स्तुतियाँ गाई, वोमडक ऋषि जो थे वो उन्होंने कहा इतनी मधुर आवाज, इतनी सुंदर स्तुतियाँ गा रही है, कौन है ये? उन्होंने कहा मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, आप कौन है? उन्होंने अपना आधार कार्ड दिखाया, ब्रह्मलोक हंसा। ओके नाइस, मेरा हृदय बहुत प्रसन्न हो गया आपकी इतनी सुंदर स्थितियों को सुनकर के, बताइए मैं आपको क्या क्या दे सकता हूँ? उन्होंने कहा बस एक पुत्र दे दीजिए मेरे को। अब वोमडक ऋषि घंटी बज गई, कहता पुत्र चाहिए इसको, यानी कि ये गड़बड़ मामला है। ध्यान लगाया, कहता ओ ओ ये है मामला, इंद्र वहाँ से लेकर के आए हैं मेरी तपस्या भंग करने के लिए। अच्छा जी, तो वोमडक ऋषि ने क्या किया? वोमडक ऋषि ने तपस्या के बल से अपना वीर लिया, कहता तेरे को ये चाहिए ये ले, उसके हाथ में पकड़ा दिया। हाँ वो बहुत घबरा गई, वो तो पास में हिरणी थी, हिरणी के घर में डाल दिया और वहां से वापस चले गए ब्रह्मलोक। कहते बस ये प्रोजेक्ट बहुत मुश्किल था, अपने बूते का बात नहीं थी। अब हिरणी से जो है वहीं बच्चा पैदा हुआ, लेकिन था तो मनुष्य दिखता था, लेकिन उसके सिंह निकले हुए थे, क्योंकि हिरणी से पैदा हुआ तो सिंह भी थे उसके। अब हिरणी ने दिया और भाग गई, वो भाग गई तो देखा ही नहीं कि लड़की देखी नहीं थी। अब बच्चा जो है हमारा हो रहा है, अब वोमडक ऋषि ने देखा ये जंगल में बच्चा कैसे रो रहा है, जंगल में बच्चा कैसे आ गया, देखा बच्चा रो रहा है, तो बच्चे के हाथ रख करके उन्होंने ध्यान लगाया, कहते अरे ये तो मेरा ही बच्चा है। ओ हंसा ने ऐसा किया, हिरणी में डाल दिया मेरे वीर को, ओ ये तो मेरा बच्चा है। उन्होंने कहा मैं इसका ध्यान रखूंगा, मैं इसको ब्रह्मचारी बनाऊंगा, इसको माया में कभी नहीं पढ़ने दूंगा। और ऋषि उसका नाम रखा ऋषि श्रृंग, है तो वह ऋषि बट विथ श्रृंग, यानी जिसके सींग भी निकले हुए ऐसा। उन्होंने सोचा मैं अपने बेटे को माया में कभी नहीं पढ़ने दूंगा, इसको मैं गृहस्थी में जाने नहीं दूंगा, गृहस्थी में व्यक्ति डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जाने नहीं दूंगा इसको मैं। और ऋषि श्रृंग इतना भोला, इतना प्यारा, इतना शुद्धा, भोला भाला एकदम, पिताजी अब मैं मंजन कर लूं, धावड़ा मंजन कर लूं। पिताजी अब मैं सो जाऊं, धावड़ा तुम सो जाऊं। पिताजी अब मैं उड़ जाऊं, कहता तुम उठ चुके हो ऑलरेडी बेटा, उड़ जाओ बेटा। सो ऋषि सिंह वॉज वेरी स्वीट, वेरी नाइस। तो इस प्रकार से अब वोमडक ऋषि ने अपने बच्चे को ऋषि सिंह को पालना शुरू कर दिया, ऐसा हुआ।
अब यहाँ पर रोमपद महाराज जी के साम्राज्य में काफी समय से बारिश नहीं हुई थी, उन्होंने सब तरह के यज्ञ वगैरह कराए लेकिन बात बन नहीं रही। उनका अगर कोई ऐसा नैष्टिक ब्रह्मचारी हो, अगर वो यहाँ पर आ जाएगा ना, उसके चरण पड़ जाएंगे तो बारिश हो जाएगी। कहता है ऐसा कौन है? कहता है एक तो वोमडक ऋषि है। कहता है नहीं भाई, भस्म होना है, बहुत कठोर तपस्वी है वो। कहता है उनका बेटा भी है, अगर वो भी आ जाएगा तो बात बन जाएगी। अच्छा ठीक है। तो एक मंत्री बोला नहीं जी, सिर्फ आने से बात नहीं बनेगी, एक्चुअली आपके ऊपर आपके साम्राज्य में श्राप है, इसलिए सिर्फ ब्रह्मचारी के आने से बात नहीं बनेगी, अगर कोई ब्रह्मचारी यहाँ का राजा बन जाए तो बात बन जाएगी। ठीक है जी, ओके। नहीं लेकर के कौन आएगा? उनका बेटा हमेशा उनकी सुपरविजन में रहता है। ओके, तो फिर बड़े विचार विमर्श करके रूपद महाराज ने, वहां की कुछ स्पेशल लेडीज थी हुआ एक्सपर्ट इन सेडक्शन, उन्होंने कहा आपको लेकर के आना है। कहता ठीक है जी, ओके। अभी जो लेडीज थी, उन्होंने क्या किया, अपना पगड़ी वगड़ी बनाना, अपना गेरवे कपड़ा, धोती कुर्ता पहन करके, दाढ़ी वाड़ी मूछ लगाई उन्होंने। जब रोमटक ऋषि तपस्या करने के लिए गए हुए थे, तभी आई मिली ऋषि श्रृंग से। ये तो ऋषि श्रृंग, कैसे हो? अरे अब ऋषि श्रृंग बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी प्यारी आवाज है इनकी। तो मेरे पिताजी बड़ी कड़क आवाज है, सो जा, उठ जा। लेकिन यहाँ पर ये जो औरतें आई थी अपना दाढ़ी पूछ लगा करके, गेरवा कपड़ा पहन करके, जटा वटा बना करके, ऋषि श्रृंग कैसे हो? कहते हैं अच्छा हूँ। इनकी कितनी प्यारी आवाज है पिताजी, कितनी कड़क आवाज है। अब बीच में जो है इन्होंने थोड़ा सा उसको छुआ छुआ भी, ऋषि श्रृंग उसको बड़ा अच्छा लगता है। अरे पता नहीं ये छूती उनको बड़ा अच्छा लगता है उनको, ऋषि श्रृंग भोला वाला। ठीक है, और देखती भाई अभी उनकी तपस्या खत्म हो रही, बोमडे ऋषि भाग लो अब, तो फिर चली जाती थी। अब ये भी अपना कंटिन्यू करता था, अपनी ड्यूटीज पूरी करता था। फिर देखती बोमडे ऋषि चले गए, फिर ये आती थी, हे ऋषि श्रृंग, ऋषि श्रृंग कैसे हो? ठीक, आप कैसे हो? हम भी ठीक हैं। तो इस तरह से इनकी दोस्ती होनी शुरू हो गई ऋषि श्रृंग की। उसके बाद उन्होंने कहा हमेशा तुम अपनी कुटिया में रहते हो, कभी हमारी कुटिया में भी चलो। आपकी कुटिया कहाँ है? अरे पास में ही है, चलो। ऋषि का ठीक है चलो। अब असल में वो कुटिया नहीं थी, वो नाव थी, नाव के ऊपर कुटिया बनाई हुई थी। तो ऋषि सिंह को कुटिया बिठाया, बाकी जो थी उन्होंने चप्पू मार मार करके उसको लगी रोमपद महाराज जी के साम्राज्य में। कहते चलो बाहर चलते हैं, बाहर लेके गए रोमपद महाराज के साम्राज्य में। आ गए वो साम्राज्य में, आ गए उनको। अब जैसे उनके चरण पड़े ऋषि सिंह के, झमझम झमझम बारिश शुरू हो गई। कहते अरे वाह, फाइनली हमारे यहाँ बारिश हो गई, अकाल की वजह से कितने लोग मरे जा रहे थे। लेकिन अब डर ये था वोमडक ऋषि को पता लग जाएगा कि उनको तो सिद्धि है, वो तो ध्यान लगाते हैं, सारा हिस्ट्री ज्योग्राफी क्लियर हो जाती है उनको। फिर अब क्या होगा जी, वोमडक ऋषि आएंगे, शराब शरूप दे देंगे, जो बारिश हुई है वही सूख जाएगी वापस। कहते एक ही तरीका बचने का, अब शांता से विवाह कर दो इसका। दशरथ महाराज से लेकर के आए थे शांता को, इसे विवाह कर देते हैं। विवाह करके ऋषि सिंह को बोला शादी करनी है। कहते अच्छा ठीक है, वो है शोंदा सा है, वो तो प्यारा सा है, हो गई शादी, हो गई और राजा बना दिया उनको। होमडक ऋषि आया, कहाँ है मेरा पुत्र, जला के भस्म कर दूंगा इस साम्राज्य को मैं। रोमन महाराज ने कहा आपके बेटे का तो साम्राज्य, वो देखिए राजा बना हुआ है, साथ में मेरी बेटी भी है शांता, तो अपनी बहू को आशीर्वाद दीजिए। अरे तुमने शादी कर दी मेरे बच्चे की, अरे ठीक है आशीर्वाद। ये क्या कि फिर बोमडक ऋषि चलेगा कि विधि का यही इच्छा होगी कि मेरे बच्चों को गृहस्थी बनना होगा। ठीक, अब जो दशरथ महाराज के जो मंत्री थे उन्होंने बोला महाराज असल में वो आप ही का तो दामाद है, क्योंकि शांता आप ही ने दी थी रोमपद महाराज जी को। अब रोमपद महाराज जी ने उसका विवाह करा दिया ऋषि सिंह के साथ, पर क्योंकि बायोलॉजिकली देखा जाए तो वो तो आप ही की बेटी है, तो इन वे ऋषि सिंह आपका दामाद है, आप उसको बुलाइए। उसी वही एक ऐसा ऋषि है जिसने पैदा होते हुए स्त्री का चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि तो हिरणी के गर्भ से निकला था, हिरणी भाग गई थी, इससे पहले वो आंखें खोलता हिरणी तो गायब। अब ये मनुष्य के साथ होता नहीं है कि माता जी ने बच्चा दिया माता जी गायब, तो ये बड़ा स्पेशल केस है। अच्छा अगर ये पुत्र कामिष्टि यज्ञ करेगा तो फिर जो आपको पुत्र की प्राप्ति होगी ना, दैट वुड बी वेरी स्पेशल। उन्होंने कहा ठीक है जी। तो ऋषि सिंह को इनवाइट किया गया और दशरथ महाराज ने उनको इनवाइट किया, पुत्र कामिष्टि यज्ञ हुआ। पुत्र कामिष्टि यज्ञ हुआ तो जो
यज्ञ चल रहा था, यज्ञ जैसे पूरा हुआ तो वहां से एक बहुत ही सुंदर यज्ञ पुरुष निकला, सांवले रंग का था, सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे उसने, बहुत ही सुंदर सोने के कुंडल सहित, उसके हाथ में एक बहुत ही बड़ा सा घड़ा था, उस और वो घड़ा जो घड़ा था उसके अंदर थी खीर। अब ये घड़ा वो दशरथ मार को देते, लेकिन दशरथ मार ने कहा ये घड़ा कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है साइज में। उन्होंने कहा आप इसको पकड़िए तो सही। तो जब उन्होंने इसको हैंड ओवर किया दशरथ महाराज को, तो ये घड़ा हो गया छोटा, उनके हाथ में आ गया ऐसा। तो यज्ञ पुरुष ने कहा कि आपकी तीनों मुख्य रानियां हैं यानी कौशल्या, सुमित्रा और कैकई, इनको आप ये खिलाइए एज प्रसाद, तो इस खीर से फिर आपको प्राप्त होंगे पुत्र। कहते हैं ओके जी। तो सबसे पहले उन्होंने दिया कौशल्या मैया को हाफ, तो कौशल्या मैया ने लिया हाफ। उसके बाद जो वन फोर्थ था वो मिला सुमित्रा को और कैकई को ऐसा। अब कैके जो थी उसने भी अपना आधा खाया और आधा दे दिया सुमित्रा को, यानी कि सुमित्रा के पास एक है वन फोर्थ और एक है वन एट्थ। समझ आ गया सबको ना? हाफ किसके पास? कौशल्या के पास, बाकी वन फोर्थ कैके और सुमित्रा के पास। कैके ने भी अपने वन फोर्थ का आधा पाया यानी वन एट्थ पाया, और बाकी वन एट्थ किसको दे दिया? सुमित्रा को। यानी सुमित्रा के पास अब दो है, एक वन फोर्थ और एक वन एट्थ। इस प्रकार से तीनों रानियों ने खीर को पाया। खीर को पाया तो फिर इमीडिएटली देखो एक्सपीरियंस है, ओह यस देयर इज प्रेगनेंसी। तो इस प्रकार से कौशल्या मैया के कुख में आए रामचंद्र जी, और कैके की कुख में आए भरत जी, और सुमित्रा आने क्योंकि दो पाए थे, एक वन फोर्थ और वन एट्थ, इसलिए वहां पर उनके पास आए भरत जी और लक्ष्मण जी। वन फोर्थ से आए लक्ष्मण जी, वन एट्थ से आए भरत शत्रुघ्न जी ऐसा। अब इस प्रकार से इनकी कोख में है बच्चे। अब कोख में जब ये बच्चे थे, अब कौशल्या मैया की कोख में बच्चा है तो ना अक्सर राम जी के चरण कोख से बाहर आते थे। अब देखो कभी भी ना बच्चों के हाथों नजर आते कोख से, कहते ये उसका हाथ है, हे उसका पांव। तो जब जब राम जी के चरण बाहर आते थे कौशल्या मैया कोख से नजर आते थे, उसकी इमेज नजर आती थी चरण, तो सुमित्रा और कैकई की कोख में हाथ नजर आते थे, मानो ये बच्चे एंग्शियस हो कि कब बाहर आए और राम जी के चरणों को छू लें। तो दर्शन वाले नोट किया, हर बार यही होता है जब कौशल्या की कोख में चरण नजर आते हैं तो बाकी दो रानियों के कोख में हाथ नजर आते हैं ऐसा। फाइनली इस सीक्वेंस में सबसे पहले जो प्रकट हुए रामनवमी के दिन वो थे श्री रामचंद्र, और उसी दिन बाकी भाई भी आ गए, यानी कि सुमित्रा जी के यहां जुड़वा और कैकई के यहां पर भरत जी उसी दिन। तो हमने सोचा भाइयों में बहुत डिफरेंस है, नहीं नहीं नहीं, बस वो वेट करे सबसे पहले राम जी आएंगे पीछे पीछे हम आएंगे ऐसा था। तो सुमित्रा को होते जुड़वा बच्चे। तो जितनी रानियां थी बड़ी खुश थी, लेकिन इनमें सबसे अधिक प्रसन्न थी सुमित्रा। क्यों? क्योंकि सुमित्रा को बड़ी खुशी थी कि मैं तो चाहती हूं मेरे जो दोनों बच्चे हैं वो सेवक निकले, उनकी ये इच्छा थी, और उनकी इच्छा पूरी हुई भी। उनका एक बेटा लक्ष्मण किसका सेवक? राम जी का। एक बेटा शत्रुघ्न किसका सेवक? भरत जी का। तो इसने हालांकि तीनों रानियां बड़ी खुश थी, लेकिन तीनों में सुमित्रा सबसे अधिक खुश थी कि मेरे बच्चे तो सेवक निकलेंगे ऐसा। और तीनों बच्चे जो है इतने सुंदर, इतने सुंदर। रामचंद्र इज हैविंग ग्रीनिश कॉम्प्लेक्शन, ग्रीनिश ब्लूइश कॉम्प्लेक्शन है रामचंद्र जी का, बहुत सुंदर। ही इज लाइक इमेराल्ड। देखो पन्ना देखा आपने, पन्ना जैसा ग्रीनिश डार्क ग्रीन कलर है रामचंद्र जी, इज ब्यूटिफुल। लक्ष्मण इज व्हाइट, स्पार्कलिंग व्हाइट कॉम्प्लेक्शन है उनका। और जो भरत जी हैं, ही इज हैविंग लिटिल डार्क कॉम्प्लेक्शन ऐसा। और जो शत्रुघ्न है उनका लिटिल ग्रेइश कॉम्प्लेक्शन। तो चारों बच्चे ना एकदम उनके, लेकिन फीचर्स ऐसे मिलते लगता है वाकई में जुड़वा भाई हैं, मानो चारों भाई पहचान में आते थे बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्शन कि ओके ये राम है ग्रीन, ये व्हाइट, ये ग्रे और ये डार्क ऐसा। सो कॉम्प्लेक्शन जो ऐसे पहचान में आते थे, अदरवाइज उनकी फीचर्स ऐसे मिलते थे ऐसा। अब चारों थे, चारों को अलग अलग पालने में डाल दिया गया, राम जी का पालना, लक्ष्मण का पालना, भरत का पालना, शत्रुघ्न का पालना।
चारों बच्चे रोए जाए कितना, तीनों माओं ने पूरा जोर लगा लिया, अरे मेरा बच्चा, मेरे लड्डू, मेरा कलाकंद, मेरे बर्फी, अरे मेरे बच्चे, चुप हो जा, हले 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 हले, कहते चुप ही नहीं हो रहे, तो क्या किया जाए। वशिष्ठ मुनि ने सोचा कुछ तो मामला है यहां पर गड़बड़। उन्हें क्या किया, लक्ष्मण को लिया, राम जी के पालने में डाल दिया। पहले तो उन्हें क्या किया, पालने पास लेके आए, पालने जैसे पास आए ना तो रोना, पहले तो रो रहे थे, जैसे पास लेके आए तो रोना कम कर दिया, रोना कम तो हो गया लेकिन अभी भी वाइब्रेटर मोड में तो है, अभी भी क्या किया जाए। उसका वशिष्ठ मुनि ने क्या किया, लक्ष्मण जी को लिया, राम जी के पालने में डाल दिया, शत्रुघ्न को लिया, भरत जी के पालने में डाल दिया, और फिर चारों ने मुस्कुराना शुरू कर दिया, कहता ओ दो पालने हटा दो, अब से दो पालने ही रखेंगे, एक ही पालने में ये दो, एक पालने में ये दो, ऐसा अब ये तय हो गया। अब उसके बाद फिर इनके नामकरण संस्कार की बारी आई, तो वशिष्ठ मुनि ने सबसे पहले लिया कौशल्यमय के सुपुत्र को, यानी कि राम को अपनी गोद में लिया। राम जी ने परमात्मा रूप में उनके हृदय में मैसेज दिया, मेरा नाम रखो राम, राम। कहते वाह क्या सुंदर नाम दिया है, राम राम, कितना सुंदर नाम मिला है, राम, जय हो राम, कितना सुंदर नाम है। तो राम का मतलब आध्यात्मिक आनंद की मूर्ति राम, साथ ही राम का मतलब है जब बोलेंगे रा तो पाप निकलेंगे, लेकिन वापस मुंह में ना चले जाएं, इसलिए हम राम। तो पाप निकल जाएंगे, वापस नहीं घुसेंगे, ठीक है जी। तो इसलिए राम जी का नाम क्या करेगा, आपको पापों से मुक्त करेगा और पाप करने की इच्छाओं से भी मुक्त करेगा। ऐसी भगवान के नाम की सबसे अद्भुत महिमा ये भी है, आप दुनिया जहान में और कोई शुभ काम कर लें, आपके पाप के फल तो नष्ट हो जाते हैं लेकिन पाप करने का इंजन वो नष्ट नहीं होता, पाप करने का इंजन बना रहता है। यस, वो इच्छा बनी रहती, कहते यार पाप तो धुल गए, आओ फिर से पाप करें। फिर क्या करें, अरे नदी में फिर से नहा लेंगे, हर हर गंगे, पाप धुल गए, फिर वापस आ गया था, पाप कर लिया, फिर पहुंच गया, माँ इकट्ठे किए। तो अगर और कोई हम शुभ कार्य करते हैं तो उसमें क्या होता है, पाप के फल तो कट जाते हैं, पाप करने की प्रवृत्ति जो है ना वो नहीं कटती। तो राम जी का नाम ऐसा अद्भुत है कि ये दिव्य आनंद का स्रोत है, सो साक्षात आनंद मूर्ति है श्री राम, इसलिए उनका नाम है राम। साथ ही जितने जितने ऋषि मुनि हैं इनमें रमेंगे, इसलिए उनका नाम है राम, ऐसा। उसके बाद फिर बारी आई लक्ष्मण की, जैसे ही लक्ष्मण को अपनी गोद में लिया, नहीं पहले फिर बारी आई भरत की, जैसे भरत को गोद में लिया तो परमात्मा ने फिर से, प्रभु ने उनके हृदय में बोला मेरा नाम रखो भरत, भरत। तो भरत क्यों पढ़ा उनका नाम, भ का मतलब भक्ति, भ से भक्ति, रथ मतलब डूबा हुआ, जो भक्ति में ही डूबा रहेगा हमेशा वो है भरत। भ का मतलब होता है दिव्य ज्ञान, जो दिव्य ज्ञान में रथ होगा उसका नाम है, वो है भरत। साथ ही भ का मतलब भार, जो झूठे आरोपों का भार सहेगा फिर भी सेवा में रथ रहेगा वो है भरत। देखिए भरत जी ऊपर जो लगा हुआ झूठी एलिगेशन थी कि इसी ने बोला होगा अपनी माँ को, क्या कह कहो ये उनको भेज दो वनवास में तो मैं राजा बन जाऊंगा। भरत जी को तो पता ही नहीं था पीछे से सारा ड्रामा हो गया, ये तो कितने अयोध्यावासी निंदा करते थे भरत की, अरे क्या भरत ने, भरत की वजह से राम का वनवास हुआ है, पर ये तो झूठा आरोप है, भरत की तो इन्वॉल्वमेंट ही नहीं इसके अंदर, कैकेयी ने सारा गेम खेला था। तो जो झूठे आरोप का भार सहेगा फिर भी सेवा करता रहेगा वो है भरत। और अयोध्या के बाहर रहे नंदीग्राम में 14 साल सेवा की राम जी की, अयोध्या की चरण पादुका रखी भगवान श्री रामचंद्र जी की वास्तव में अयोध्या के राजा तो रामचंद्र जी हैं, उनकी रिप्रेजेंटेटिव है उनकी चरण पादुका, मैं एज अ सेवक सेवा करूंगा, ऐसे हैं भरत।
हम पे कोई झूठा आरोप लगा दे ना, सेवा बंद कर देंगे हम, मंदिर आना बंद कर दें। कहते बस जी बस, देख लिया हमने इस कौन के ड्रामे सारे, आरोप लगा दिया आपने हमारे ऊपर है कि हम जो है यहां से माखन और मिश्री लेके भागे हैं, है चोर है क्या? अरे जी खिलाया हुआ हमने कहीं को, आए बड़े चलो जी बड़े मंदिर पड़े हैं। तो हम पर कोई आरोप लगा दे हम तो सेवा छोड़ दे। अपमान सहना कितना मुश्किल होता है। अभी अपमान तब नहीं था कि अब आपने कुछ काम वाकई किया हो, पकड़े गए हो आप, आपने कुछ नहीं किया फिर आरोप लग जाए। झूठा आरोप सहना कितना कठिन होता है, और वो भी किसी अपने से लगाओ तो बहुत दुख देता है। क्या दुनिया ने गाली दी होती अरे सह लेते हैं, यहां तो अपनों ने ही यार। अगर अपने आरोप लगाते ना वो चुपता है, हमने आपको यहां जगह दी और आपने वहीं पे कैक्टस लगा दिया हमारे। अरे वो जख्मों से ना निकलना बड़ा मुश्किल होता है जब अपने ही आरोप लगा दें, या दुनिया वाले आरोप लगाते अरे सह लेते, अपनों ने ही डुबो दिया मेरे को, तो बंदा टूट जाता है बिखर जाता है। लेकिन भरत जी टूटे बिखरे नहीं, क्या झूठे आरोप लगे तो लगे पड़े, मैं तो राम जी की सेवा करूंगा, उनकी अयोध्या की सेवा करूंगा। ये भरत जी का प्यार है राम जी से। बल्कि जो निषाद राज थे उन्होंने इनवाइट किया देखने के लिए कि भरत का क्या प्यार है। ये राम जी बड़ी तारीफ कर रहे हैं, भरत का अद्भुत प्रेम है, भरत का ऐसा प्रेम है, भरत का वैसा प्रेम है। इनवाइट किया उन्होंने भरत जी को। भरत जी आए, जो और की सेना के साथ भी आए, सबको अच्छा स्थान दिया और एक बहुत ही सुंदर सा आसन तैयार किया भरत के लिए कि आइए विराजिए। और भरत जी ने क्या किया, भरत जी आसन के पास गए, ऐसे दिखा आसन को और आसन के ना नीचे बैठ गए और ऐसे आसन को देखे जा रहे। तो निषाद राज को लगा आसन इतना सुंदर है क्या कि आसन में बैठ नहीं रहा, आसन के नीचे बैठ के आसन को देख रहे हैं। उन्होंने कहा भरत जी आसन आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा क्या? अरे आसन मैं सोचा इतना सुंदर आसन है, इस पे तो राम बैठने चाहिए, अगर इस पे राम बैठते तो मैं मेडिटेट कर रहा था राम जी कैसे दिखते, तो मैं सोचा राम जी यहाँ बैठे हुए हैं, राम जी अगर बैठेंगे तो उनके घुटने यहाँ आएंगे, उनके चरण यहाँ आएंगे, तो इसलिए मैं जहाँ उनके चरण हैं वहाँ पर ऐसे हाथ रख करके इस आसन को देख रहा था। हाँ राम बैठते कितना अच्छा होता, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ऐसे भरत जी को ये भाव देखा तो निषाद राज की आंखों में आंसू आ गए। कहते हैं जितना राम जी ने बोला था उससे पता नहीं कितना गुना ज्यादा प्रेम है भरत का। क्या प्रेम है, अद्भुत प्रेम है भरत का। तो भरत का देखा जाए बहुत ज्यादा प्रसंग नहीं आता हालांकि, लेकिन भरत जी का प्रेम अद्भुत। अरे राम जी का पहला अभिषेक किस चीज से हुआ था? जब राम जी आए राम जी का पहला अभिषेक तो भरत जी ने अपने अश्रुओं से कर दिया था। जब आलिंगन हुआ तो झरझर 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 मेरे राम आ गए, राम आ गए, राम आ गए, राम आ गए, मेरे राम आ गए, और अपने आंसुओं से राम जी का पहला अभिषेक हुआ है। वो दूध दही वगैरह उसे बाद में हुआ, सबसे पहला अभिषेक आंसुओं से हुआ है। यस। और राम जी जब आए भी ना 14 साल बाद, उन्हें हनुमान को भेजा था कि हनुमान एक बार देख करके आओ, मैं 14 साल बाद वापस आ रहा हूं, वो खुश होता है कि नहीं? अगर वो कहना अच्छा राम आ रहे हैं क्या, तो कहना नहीं 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 आ नहीं रहे, वो तो यहां से होके गुजर रहे थे बस, वो इसलिए बताने के लिए आया था कि भरत की खुशी अगर अयोध्या में राज करने की है, हो सकता है 14 साल में उसको आदत पड़ गई हो अयोध्या की तो। लेकिन राम जी जानते कि ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन हनुमान को पता होना चाहिए भरत क्या है, भरत का प्रेम क्या है, क्योंकि हनुमान जी ने लक्ष्मण को देखा है भरत जी को नहीं देखा, लेकिन भरत जी का प्रेम क्या है ये पता लगना चाहिए ना उनको। कहता हूँ देख कर क्या ना भरत का रिएक्शन क्या है, कहना भाई 14 साल पूरे हो गए हम अभी आ रहे हैं बस पहुंचने वाले हैं। तो जैसे ही वहां पर हनुमान जी ने ये खबर बताई भरत जी को, भरत जी ने नाचना शुरू कर दिया, नाचना शुरू कर दिया, नाच रहे हो, शत्रु ने देखा अरे मेरे भैया इतना नाच रहे हैं, इतना नृत्य, क्या हो गया भैया? कहते हैं राम आ रहे हैं। आज ही तो वो दिन था, क्योंकि भरत जी ने बोला था अगर 14 साल से एक दिन एक्स्ट्रा हुआ मैं प्राण त्याग दूंगा,
तो इसे राम जी को टेंशन नहीं थी, टाइम से पहुंचना है, पुष्प विमान से जब चले थे ना, टाइम से पहुंचना है। बीच में सीता मैया ने रुकवा दिया, कहते नीचे ना वानर सेना जो है उनकी पत्नियों को भी लेके जाना है, ऐसे नहीं वी विल हैव पार्टी तो प्रभु सारे होंगे माताएं वहीं पे रहेंगी, नहीं। तो पुष्प विमान किष्किंधा में उतरा, माताओं को लोड किया उसके अंदर, लेकिन राम जी सोच रहे माताओं को जल्दी लोड करो भाई, वहां मेरा भाई ने बोला हुआ है एक दिन एक्स्ट्रा हुआ शरीर छोड़ दूंगा, प्राण छोड़ दूंगा अपने। तो ऐन मौके पे आखिरी दिन पहुंचे, तो वहां पर वो तो नृत्य कर रहे हैं ऐसा, और पूरी जो अयोध्या थी ऐसी जगमग जगमग हो रखी थी कि पुष्प विमान जो वहां पहुंचा तो ये ढूंढना नहीं पड़ा अयोध्या उसी जगह पर है क्या, कहता भाई पूरा स्थान में अंधेरा अंधेरा एक ही जगह पर मानो सूरज उगा हुआ है अयोध्या में, ये अरेंजमेंट किया था भरत जी ने राम जी के आने पे। तो राम जी तो इतने विरह के बाद जब मिलन होता है ना, तो मिलन के अंदर वो इतना प्रेम होता है पूछो ही नहीं। तो भरत वो जो बाहर सहेंगे लेकिन फिर भी सेवा में रत रहेंगे, वह भरत। जिससे कभी हमारे ऊपर कभी आरोप लगे, अगर कोई झूठा आरोप लगा दे पैसे का गबन किया तूने चोर, और आपके दिल में चोट चल जाए, बस मंदिर वालों ने आरोप लगा दिए, भरत जी आप आशीर्वाद दीजिए फिर भी हम सेवा में रत रहे, यस ऐसा। तो भरत जी से प्रेरणा लेनी चाहिए। तो उसके बाद फिर आए लक्ष्मण, तो जैसे ही वशिष्ठ मुनि की गोद में आए लक्ष्मण, लक्ष्मण को देखा तो बोले इसका नाम होगा लक्ष्मण, इनका नाम लक्ष्मण ही है क्योंकि इनका नाम नित्य रूप से लक्ष्मण ही है, लक्ष्मण। अच्छा लक्ष्मण का मतलब क्या, जिसके पास लक्ष्मी होगी और लक्ष्मी को धारण करने वाला होगा लक्ष्मण। ये अजीब नाम पड़ा है लक्ष्मण, लक्ष्मी क्या, ये तो 14 साल बाहर रहे वो भी ऐसे सेक्रेटरी टू रामचंद्र जी, तो भला ये कैसे लक्ष्मण, ये कैसे लक्ष्मी धारण करने वाले हैं। ये तो वास्तव में लक्ष्मी का मतलब होता है सौभाग्य, और सबसे बड़ा सौभाग्य है राम की सेवा, राम जी की व्यक्तिगत रूप से सेवा की किसने, लक्ष्मण जी ने, लक्ष्मण जी ने इतनी विविध प्रकार से सेवा की उन्होंने। जब चलते थे तो राम जी चलेंगे, सीता मैया चलेंगे, सीता मैया वहां कदम नहीं रखेंगे जहां राम जी कदम रखे हुए हैं, क्योंकि जहां उनके कदम है वो तो पूजनीय स्थान है, वो तो तीर्थ स्थल है, जहां राम जी के चरण पड़े वो तीर्थ स्थान है, तो वहां पर मैं पांव कैसे रखूंगी। सीता मैया चलती थी जहां राम जी कदम है तो यहां चलती थी, ताकि राम जी के यहां कदम सीता मैया के यहां कदम, और लक्ष्मण जी यहां चलते थे क्योंकि वो सीता मैया के चरणों को भी देखते थे राम जी के चरणों को भी देखते थे। इस प्रकार से सेवा का भाव है लक्ष्मण जी के अंदर। साथ ही लक्ष्मण क्या करते थे, जहां जहां राम जी जाएंगे, जमीन पे थोड़ी सोएंगे, जमीन पे तो वहां पत्थर हो सकते हैं, वहां पर कांटे हो सकते हैं, तो जहां जहां राम रात को रेस्ट करेंगे वहां पर वो चद्दर सिलेंगे, किसकी, पत्तों की, लेकिन पत्तों की एजेस होती है ना वो कठोर होती हैं, सो सब जगह पे क्या करते थे, घास लेंगे और पत्ते को ऐसे फोल्ड करेंगे, तो फोल्ड करेंगे एक तो पत्ता होता है उसका सॉफ्ट वाला हिस्सा होता है, नीचे वाला थोड़ा खुरदला वाला हिस्सा होता है, तो सॉफ्ट वाले हिस्से को ऊपर रखते हुए फोल्ड मार करके फिर उसमें घास का तिनका स्यू करेंगे, ऐसे करके वो चद्दर बनाते थे। और जब राम जी वहां चल दिए तो चद्दर वहीं रहेगी, अब अगली जगह नई चद्दर बनाई जाएगी ऐसा, और हर बार नई जगह पर जाएंगे तो वहां पर नई झोपड़ी बनाएंगे राम जी, राम जी के लिए लक्ष्मण। और कभी कभी राम जी ने एक झोपड़ी में रहते थे वो एक रात, फिर आगे बढ़ गए। तो एक समय उनको लगा कि एक बार लक्ष्मण से पूछूं उसको कैसा लगता है कि इतनी सुंदर वो झोपड़ी बनाता है, दिल से बनाता है, ऐसा नहीं कि अरे एक रात तो रुकना है यार, ऐसे झाड़ी वाड़ी फूंक दी, कहता है एक रात की तो बात है, नखरे मत दिखाना भाई, इसी में घुस लो सो लो। हाँ एक ही चीज़ बड़े ध्यान से आर्टिकुलेटली, उसमें खिड़कियाँ भी होंगी, उसमें दरवाजे भी होंगे, अंदर बैठने का स्थान भी होगा, अगर कोई गेस्ट आता है तो उसके लिए भी स्थान होगा, उसमें किचन भी होगी, अगर सीता मैया को कुछ कुकिंग कुछ कुकिंग करनी है तो वो स्थान भी होना चाहिए। ऐसे करके बनाते थे झोपड़ी लक्ष्मण जी। तो राम जी ने जो है एक वो झोपड़ी तो रहे नहीं, कहते ठीक है झोपड़ी बन तो गई नहीं, चलो यहाँ से आगे बढ़ते। लक्ष्मण बोले हाँ चले चलते हैं। तो आगे बढ़े तो राम ने कहा लक्ष्मण तुमको बुरा नहीं लगता, तुम इतनी मेहनत से झोपड़ी बनाई तुमने, मैंने कहा मैं इसमें रहूंगा ही नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। कहते हैं सब आपकी खुशी के लिए तो है, तो आप इसमें रहना चाहो
किसके लिए? आपकी खुशी के लिए। इसको छोड़ना है, इसमें खुशी है, छोड़ना है, चलते आगे। ऐसे हैं लक्ष्मण जी। एक समय भृगु मुनि आए थे राम जी के पास, और राम जी ने कहा, राम जी को बोला भृगु मुनि ने कि वास्तव में तुमने जो युद्ध जीता ना, उसका श्रेय जाता है तो लक्ष्मण को जाता है। अरे क्यों, रावण को तो मैंने मारा। उन्होंने बोला रावण को मारना बड़ा काम नहीं था, इंद्रजीत को मारना बड़ा काम था। एक्चुअली इंद्रजीत को मारना रावण से को मारने से भी अधिक कठिन था। तो ऐसे कैसे? क्योंकि इंद्रजीत को ये वरदान मिला था, कोई उसको नहीं मार सकता, सिर्फ वही व्यक्ति मार सकता है जो 14 साल सोया ना हो, 14 साल खाया ना हो, और जिसे 14 साल स्त्री का चेहरा ना देखा हो, ब्रह्मचर्य का पालन किया हो। तो लक्ष्मण इसमें कैसे फिट हो गया? क्या लक्ष्मण 14 साल नहीं सोए? वो इस संताप में नहीं सो पाए कि मेरे होते हुए राम जी का वनवास हुआ? ऐसे कैसे? इसीलिए लक्ष्मण जी 14 साल सोए नहीं। जैसे मैंने कल बताया था ना, निद्रा देवी आई, निद्रा देवी का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया लक्ष्मण जी ने कि मेरे होते हुए कैसे राम जी का वनवास हो गया, क्या क्या करूँ सो करके मैं। 14 साल वो नहीं सोए, 14 साल वो नहीं खाए। कहते ऐसे कैसे, मैं तो रोज फल देता था उनको। उन्होंने कहा हाँ जी, आइए चलते हैं पंचवटी चलते हैं। जहाँ जहाँ थे वहाँ वहाँ गए, और वहाँ पिछवाड़े गए, वहाँ पर देखा फलों का ढेर लगा हुआ है। कहते ये वो फल हैं जो तुम देते थे लेकिन लक्ष्मण ने खाए नहीं, कि उनको एक ग्लानी खुशी में फल देना भूल गए। जिन दशरथ महाराज का पता लगा कि उनका तो तिरुभाव हो गया है, उनके दुख में तुमने फल नहीं दिए। और जब सीता का हरण हुआ था तो भी तुम सीते 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 पुकारते रहे, उन दिनों फल नहीं दिए थे। बस वही वाले फल मिसिंग है, बाकी सारे फल ये रहे। अच्छा, और ब्रह्मचर्य कभी स्त्री का चेहरा नहीं देखा? कहता हाँ। इससे देखो, जब सुग्रीव ने बाली दिखाई थी सीता मैया की, वो नहीं पहचान पाए, नहीं पहचानता। कंगन दिखाए, नहीं पहचान पाए, सिर्फ पाँव की पायल पहचान पाए। कहते हाँ ये तो सीता मैया की है, क्योंकि उन्होंने सीता मैया को चरणों से ऊपर कभी देखा ही नहीं ऐसा। और उन्हीं सीता मैया से आरोप लगा था उनके ऊपर कि तुम राम की मदद करने क्यों नहीं जा रहे हो, जब वहां से आवाज आ रही है लक्ष्मण, तुम्हारा शायद मेरे को भोगने का भाव है। तो लक्ष्मण जी ने सोचा, अरे तो मेरी मैया है, ये मैया क्या बोल रही है, ऐसा कैसे। तो लक्ष्मण वो है जिनके ऊपर आरोप भी लगा, फिर भी सेवा छोड़ी नहीं। अच्छा शुभनखा, उसका क्या? शुभनखा तो आई थी ना, मुझसे विवाह कर लो। तो राम जी ने बोला मेरी तो शादी हो चुकी है। वो देखो ही वॉज ए हैंडसम गाय लक्ष्मण। लक्ष्मण वहां पर अपना तलवार को धार तेज कर रहे थे। लक्ष्मण ने देखा नहीं था शुभनखा को। कहता अरे मैडम, हम तो दास है, दास से शादी करके दासी बनोगी तुम, वो राजकुमार है, वहां जाओ। वो राम जी के पास पहुंची, राम जी ने फिर बोला अरे मेरे पास, मेरा तो मुश्किल है, मैं कहाँ शादी कर पाऊंगा, देखो मैं एक को मेंटेन कर सकता हूँ, कहाँ माने मेरे को नहीं, वो है ना उसकी पत्नी नहीं है अभी। तो शुभनखा बड़ी कंफ्यूज हो गई, हाँ वहाँ वहाँ है। कहता है दिक्कत ये इसी से है ना, सीता से, इसी को देखती हूँ अभी। वो सीता में क्या झपटी तो लक्ष्मण जी ने सिर्फ उसकी आवाज़ सुनी थी, और आवाज़ सुन करके उसके दोनों कान काट दिए और नाक काटी, देखा नहीं था, अरे कहाँ जा रही है तू, ऐसा नहीं, यहीं से। शुभनखा को बिना देखे उसका कल्याण कर दिया था। तो उसकी नाक क्यों काटी थी? नाक इसने काटी क्योंकि तू सीता मई की पवित्रता को सूंघ नहीं पा रही, तो तेरी नाक का फायदा क्या है, इसे तेरी नाक कटिस। और तेरे को राम जी बार बार बता रहे हैं, मैं भी बता रहा हूं कि तुम्हारी बात को सुन नहीं पा रही, तो तेरे कान भी बेकार है, इसे कान भी। तो लक्ष्मण जी ने जब शुभनखा के नाक और कान काटे थे तो उसको देखा नहीं था, सिर्फ आवाज सुनकर की चुक चुक, उसकी चुक चुक गाड़ी कर दी थी उसकी, ऐसा। तो इसलिए लक्ष्मण ने ब्रह्मचर्य का पालन किया 14 साल, 14 साल खाए नहीं, 14 साल सोए नहीं। एंड दैट्स वाई पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई व्यक्ति वाकई में इंद्रजीत को मार सकता था, दैट वॉज लक्ष्मण। तो इसीलिए विजय आपको प्राप्त हुई तो लक्ष्मण की वजह से प्राप्त हुई। दैट इज लक्ष्मण। एक समय राम जी ने पूछा, राम जी ने बोला हनुमान जी को, हनुमान तुम तो मुझे लक्ष्मण से भी अधिक प्रिय हो। साथ में लक्ष्मण भी खड़े थे, सामने हनुमान जी हैं। तो फिर राम जी ने बोला बताओ हनुमान, तुमको सुनकर कैसा लगा?
कि जब मैं तुमको बोला कि तुम तो मुझे लक्ष्मण से भी अधिक प्रिय हो, उन्होंने कहा, हनुमान जी ने बोला, रामचंद्र जी अभी ना आपने जो गुणगान किया मेरा गुणगान नहीं किया, आपने लक्ष्मण का गुणगान किया। कैसे है? इसलिए क्योंकि अगर कोई व्यक्ति बताता तो क्या बताता, तुम तो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो, पर उसी जगह क्या बोला राम जी ने, राम जी ने बोला तुम तो मुझे लक्ष्मण से भी अधिक प्रिय हो, यानी कि प्राण इज इक्वल टू लक्ष्मण, वास्तव में लक्ष्मण आपके प्राण है। इसलिए आपने क्या बोल दिया, तुम तो मुझे प्राणों से अधिक प्रियो की जगह आपने बोल दिया तुम तो मुझे लक्ष्मण से अधिक प्रियो, यानी कि लक्ष्मण आपके प्राण है, मैं आपका प्राण नहीं हूं। तो इन अ वे आपने गुणगान तो लक्ष्मण का ही किया है, विच इज नाइस, वेरी गुड। राम जी ने कहा वेरी गुड हनुमान, नाइस। अच्छा लक्ष्मण तुमको कैसा लगा जब मैंने ये बोला कि हनुमान तुम तो मुझे लक्ष्मण से अधिक प्रिय हो? तो लक्ष्मण जी ने बोला, श्री राम आपने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि मैं तो आनंद शेष रूप में हूं, मैं तो सिर्फ आपको धारण करता हूं, लेकिन हनुमान हम दोनों को धारण करता है, एक कंधे पे मेरे को बैठाता है, एक कंधे पे आपको बैठाता है। जय श्री राम। तो कहने को लक्ष्मण जी बोलते, अच्छा जी सेवाएं हम करें, प्रिय वो है। हनुमान ना हो गए, हम भाई हैं आपके, पराया कर दिया पल भर में आपने हमको। ना लक्ष्मण जी कहते हैं, हाँ बिल्कुल हनुमान वैसे अधिक श्रेष्ठ है, यस। तो हनुमान जी हमेशा रेडी, सॉरी लक्ष्मण हमेशा सेवा में रत रहे। भरत जी का प्रेम है विरह में रह के प्रेम है राम जी से, लक्ष्मण जी का प्रेम है सेवा में पूरी तरह से तल्लीन है राम जी की सेवा में लक्ष्मण ऐसा। अब देखिए वनवास जब हुआ था राम जी का हुआ है, लक्ष्मण थोड़ी वनवास की डिमांड की बात थी, लेकिन लक्ष्मण इतने हृदय से जुड़े हुए राम जी से, तब वनवास होगा तो जी हम आपके साथ जाएंगे, आप जहां रहोगे वहीं रहेंगे, सिंपल। लक्ष्मण का तो ये भाव था, जिन दशरथ महाराज जी ने वचन दिया कैकेयी को ना, उसको निभाने के लिए आपको भेज रहे हैं, पहले तो दशरथ को खत्म करो। राम ने कहा पिता है हमारे वो, कहते पिता क्या करें ऐसे पिता का जो जोरू का गुलाम है। सोचिए लक्ष्मण जी को क्या प्रेम होगा लक्ष्मण जी राम जी से, इवन दशरथ महाराज जी को बाय बाय करने के लिए तैयार है वो, ऐसा। सो लक्ष्मण जी इज वेरी वेरी डियर, वेरी वेरी डियर। तो जिनके पास लक्ष्मी है, कौन सी लक्ष्मी, सौभाग्य, कौन सा सौभाग्य, सेवा का सौभाग्य। लक्ष्मण जी के पास सेवा का सौभाग्य है, भर भर के सेवा की उन्होंने रामचंद्र जी की, ऐसा। सो दैट्स व्हाई ही इज वेरी वेरी स्पेशल, लक्ष्मण जी इज वेरी वेरी स्पेशल। अच्छा लक्ष्मण जी का भी हो गया नामकरण संस्कार, कौन बचा, शत्रुघ्न, यस। तो जैसे शत्रुघ्न जब गोद में आए वशिष्ठ मुनि के, शत्रुघ्न का मतलब है जो शत्रुओं पे विजय प्राप्त करेगा वो है शत्रुघ्न। लेकिन अगर कोई रामायण पढ़े, शत्रुघ्न का कोई युद्ध हुआ ही नहीं, एक वो लवणासुर है बस, आखिर बस वही उसी को निपटाया। यहां तो बहुत सारे युद्ध लड़ेंगे उनमें विजय प्राप्त करेंगे तो उनका नाम होता शत्रुघ्न। ये शत्रुघ्न क्यों नाम पड़ गया उनका जी, ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़े शत्रु पर विजय प्राप्त की थी, शत्रु तो नहीं था लेकिन वो बहुत बड़ी लड़ाई थी जिसपे विजय प्राप्त की। शत्रुघ्न का भी जो आकर्षण था वो राम जी से था, लेकिन शत्रुघ्न ने प्रण लिया था मैं राम जी का दास बनने के बजाय राम जी के दास का दास बनूंगा, राम जी के सेवक भरत, और मैं भरत जी का सेवक बनूंगा, तो मैं दास नहीं बनूंगा मैं दासानुदास बनूंगा। लेकिन राम जी से आकर्षण था नहीं, भरत जी का सेवक। राम जी को जब देखा नहीं, भरत जी का सेवक। तो राम जी से आकर्षण है लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से ढाल लिया भरत जी की सेवा में। तो ये युद्ध था, कौन सा युद्ध, राम जी के आकर्षण का युद्ध, कि राम से आकर्षण है, राम इतने भरत, राम भरत भरत, ये युद्ध है और इस युद्ध में वो विजयी हुए, तो इसलिए उनका नाम है शत्रुघ्न। अब शत्रुघ्न ने देखा कि ना राम जी तो क्योंकि जमीन पे सोते हैं, इसलिए भरत जी ने जो नंदीग्राम में कुटिया बनाई थी, कुटिया में गड्ढा खोद करके वहां सोते थे, तो जब मेरे मालिक यहां सो रहे हैं, ये देखे कि उनके मालिक यहां सो रहे हैं तो वो यहां सो रहे हैं, तो मेरे को इससे नीचे जाना होगा। इसीलिए भरत जी ने क्या किया, शत्रुघ्न ने क्या किया, शत्रुघ्न ने कुटिया के बाहर कुटिया भी नहीं बनाई
और वहां पर उनसे गहरा गड्ढा खोद करके वहां सोते थे, और सोती वैसे थे, आंखें उनकी रहती थी भरत जी के ऊपर कि अगर कोई सेवा हो तो हाँ भरत जी। शत्रुघ्न ऐसे रहते थे। तो शत्रुघ्न का रोल अगर आप देखें पूरी रामलीला के अंदर कम है, लेकिन उनका सेवा का भाव अति अद्भुत। भरत जी ने जब देखा राम जी आ गए हैं और नृत्य कर रहे हैं, दौड़ करके पूरी अयोध्या में बताने के लिए कि राम जी आ गए हैं, कौन गए? शत्रुघ्न गए। ऐसा तो इससे इस प्रकार से चारों भाइयों का नामकरण संस्कार हुआ, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और उनकी ये केमिस्ट्री देख करके सबसे ज्यादा खुश कौन थी? सुमित्रा, कि मेरे दोनों बच्चे जो है फाइनली सेवा में लग गए, मेरे दोनों बच्चे सेवक हैं, एक राम का सेवक एक भरत का सेवक, मेरे बच्चे तो दोनों बच्चे सेवक हैं। तो माओ को खुश होना चाहिए अगर उनका बच्चा फुल टाइम ज्वाइन कर ले, हमारा बच्चा सेवक हो गया, ये ना देखो गंजा होकर मंदिर में बा 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 कर रहा है। कलयुग माता है बड़ी दुखी हो रही होती है, देखो हमारा बच्चा धर्म के रास्ते पर चला गया, सेवक बन गया, हाय रे सियाप्पा, ये बाहर किसी के तलवे चाटता कितना अच्छा होता, ये तो प्रभु के चरण की सेवा में लग गया। ओए हाय 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 हाय, ऐसे लोगों से को सुमित्रा मैया से कृपा की याचना करनी चाहिए। ऐसा तो इस प्रकार से चारों भाई थे, उनका बड़ा देवे प्यार था। एक समय चारों भाई जो थे कीचड़ में खेल रहे थे, कीचड़ में खेल रहे हैं, सारे कीचड़ कीचड़ रखे, कुछ नहीं पता रखे इसमें, राम कौन, लक्ष्मण कौन, भरत कौन, शत्रुघ्न कौन, पहचान में ही नहीं आ रहे। तो तीनों माएं आई, तीनों हंस रही थी, कहते देखो हमारे पुत्रों में हम पहचान ही नहीं पा रहे, कौन क्या है, सारे के सारे कीचड़ में लबालब है। तो तभी राम ने कीचड़ का गोला बनाया, दे मारा कैकई मैया के ऊपर, कौशल्या मैया के ऊपर, तीनों माए भी रंग गई कीचड़ में, पहचान में नहीं आ रही इसमें कौन कौशल्या कौन सुमित्रा कौन कैकई। और इस प्रकार से चारों बच्चे तीनों माए लगे हुए हैं कीचड़ में एक दूसरे के साथ, भूल गए पूरी तरह से कि हम यह तो यहाँ की रानियां हैं, महारानियां हैं, ये राजकुमार हैं, खेल रहे हैं। लेकिन एक सड़ी औरत वहां पर थी, मंदरा, अरे ये देखो है, ये लक्षण है, ये राजकुमार है, कीचड़ में लबालब हो रखे हैं, ये रानियां, ये देखो। तो दूर खड़ी खड़ी सड़ रही थी, राम जी ने कहा दूर खड़ी खड़ी सड़ रही है तो आओ इसको, इसकी सड़ांध पे कीचड़ डालते हैं। और राम जी ने कीचड़ का गोला बनाया, तीर चलाया कीचड़ से उसको, थपाक, सड़ी थी और सड़ गई। ऐसे जो लोग नेगेटिव माइंडेड होते हैं ना, वो खुशियों में खुशियां नहीं देख पाते हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ सड़ा निकाल रहे होंगे, अरे सब खुशी का मौका, तुम भी खुश हो लो, हर जगह ऐसे कुछ कीड़े मकोड़े होते ही होते हैं। चारों बच्चे खुश हैं, तीनों माएं खुश हैं, वो उनको देख के तुम भी खुश हो लो, घर पर में ऐसे होता है ना, खुशियां मची हुई हैं पर दो चार सड़ी हुई आत्माएं अंदर सड़ रही होती हैं, क्या है, क्या चल रहा है घर में, बाबा ऐसे लगे सब खुश हैं, वही तो दिक्कत है, सब खुश कैसे हैं? मंत्र ऐसी है, सड़ी हुई औरत, सड़ी हुई। तो इसलिए इस इंसिडेंस के बाद तो इतना कुलक गई थी कि मैं ये जो कैकई जो इतना प्यार करती है ना राम से, इसके प्यार को पलट के रख दूंगी मैं, इतना मन भर दूंगी इसका मैं। ऐसा पर चारों भाई ऐसे हैं, उनका प्यार ऐसा है एक दूसरे के साथ, अद्भुत प्रेम है, अद्भुत प्रेम। साथ ऐसा हुआ कि ना अब इनको गुरुकुल छोड़ना था, अब गुरुकुल जाएंगे, पढ़ाई करेंगे, सीखेंगे, अब किसके गुरुकुल में जाएंगे? वशिष्ठ मुनि के गुरुकुल में। तो दशरथ महाराज जो है पहुंचे बच्चों को लेकर के, मेरे चारों बच्चों को अब गुरुकुल में एडमिशन कराना है, ठीक है जी। वशिष्ठ ने कहा आप यहाँ खड़े क्यों हो गए? कहते थोड़ा देखते लो मेरे बच्चे परफॉर्म कैसा करते हैं, क्योंकि क्षत्रिय होता है ना कि क्या मेरे बच्चों के अंदर वो क्षत्रिय खून है कि नहीं। जैसे आप देखते हैं ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना भक्तों के, और बच्चा करताल उठा कैसे करते हैं, टन टन टन, माता पिता खुश होते हैं, भगत है जी, भगत है, देखो टन 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 कर दिया उसने, तो माता पिता खुश हो रहे होते ना, हमारा बच्चा भगत है, देखो उसने करताल, अगर करताल लेके मुंह में डाल दे वो कहता है अबे मूर्ख, खाने की चीज नहीं है, बजाने की चीज है, क्या ही आइटम निकाला है हमने। तो माता पिता को थोड़ा शौक होता है, देखिए हमारे बच्चे संस्कार वाला कैसे हैं। तो धनुष है, धनुष को अगर बच्चा राइट हैंड से उठा लेगा ना कहेगा क्षत्रिय नहीं है ये, अगर लेफ्ट हैंड से उठाएगा ना ये क्षत्रिय है रे,
क्योंकि धनुष है वो लेफ्ट हैंड से उठाना चाहिए, राइट हैंड से तीर और ऐसे, अगर राइट ऐसे उठा ले धनुष उसके ऐसे घुमा दे वो कहते बेटा सर इसको ज़्यादा ट्रेनिंग देना है इसको बहुत, तो कोई नहीं चलो जो है सो है। तो वशिष्ठ मुनि की बड़ी इच्छा, देखूँ सही मेरे बच्चों में क्षत्रिय फैक्टर कितना है। वशिष्ठ मुनि का नहीं आप जाइए प्लीज जाइए आप, क्योंकि लेकिन मैं लेकिन पिता हूँ इनका, पिता कोई अधिकार होता है कि देखिए गुरुकुल में उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, पिता कोई अधिकार होता है कि गुरुकुल में देखे कि उसके बच्चे कैसे कर रहे हैं, लेकिन सारे पिताओं को उनके बच्चे खीर खा के नहीं मिलते ना, ये खीर वाले बच्चे तो थोड़ा इनका अलग हिसाब किताब है। तो इसलिए अब आपको जाना होगा। तो दशरथ महाराज अपने हृदय पत्थर रख करके ओके ठीक है, हमने सोचा था बच्चों को परफॉर्मेंस देखेंगे, कोई नहीं। तो उसके बाद फिर दशरथ महाराज वहां से चले गए। जब दशरथ महाराज चले गए ना, वशिष्ठ मुनि देखा गए, उसके बाद चारों भाई खड़े हैं, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, उनको दंडवत किया वशिष्ठ मुनि ने, उनकी परिक्रमा की और परिक्रमा करके उनको दंडवत करके बोले प्रभु मैं जानता हूं आप लीला कर रहे हैं, हम क्या गुरुजी बनेंगे आपकी लीला के अंदर, मैं जो बताने वाला वो भी आप ही से आ रहा है, जब हमारी सप्लाई आपसे है तो हमको क्या डाउनलोड देंगे आपको, आप ही तो अपलोड करना है, आप ही को डाउनलोड देना है हमें, तो इसलिए आपकी लीलाओं के अंदर ये गुरुजी वाला रोल हम ठीक से कर सकें आशीर्वाद दीजिए। अब ये चीज अगर दशरथ महाराज देख लेते ना तो कंफ्यूज हो जाते, कहते ये क्या गुरुजी अपने होने वाले स्टूडेंट से आशीर्वाद मांग रहे हैं, तो वो कंफ्यूज ना हो जाए और उनका वात्सल्य रस उसमें कोई विकार ना आए, इसीलिए वशिष्ठ मुनि ने क्या किया दशरथ महाराज को भेज दिया कि आप जाइए ऐसा। इस बार गुरुकुल में जो है भाई हैं अपना दे एंजॉय यस। एक समय राम और लक्ष्मण दोनों साथ साथ थे, तो अब दोनों ने अभी अभी जो है अभी तीर चलाना सीखा है, तो राम लक्ष्मण ने, तो राम जी ने बोला लक्ष्मण को, लक्ष्मण तुम तीर चला सकते हो? कहते हाँ भैया बताइए कहाँ तीर चलाना है। कहता वो जो लेडी है ना जो सर पे मटकी रखी हुई है उसकी नथनी है, उसकी नथनी में से तीर निकाल दो। कहा ठीक है तीर निकाल दूंगा ठीक है। कहा लेकिन एक कंडीशन है उसके अंदर, तीर जब नथनी में से निकले तो नथनी छोटी हो जाए। कहा ठीक है जी। लक्ष्मण जी ने तीर लिया छोड़ा, वो तीर गया नथनी में से निकला और निकलने के बाद नथनी छोटी हो गई, छोटी हो गई तो टाइट हो गई, वो टाइट हो गई तो उसको लगी चिल्ला रही थी, तो माता ऐसे चिल्लाती ना कहते ओहो इससे तो काफी कष्ट हो रहा है। कहते भैया अब आप इसकी उसी नथनी में से ना तीर निकाल करके फिर से इसको नॉर्मल कर दो। उसका राम जी ने तीर छोड़ा, अब तीर जो है उस कसी हुई नथनी में से निकल गया और नथनी जो थी बराबर हो गई, और राम लक्ष्मण हंसे जाए। तो उस लेडी ने पूछा तुम दोनों बड़े हंस रहे हो, तुम्हारी जो नथनी के साथ हुआ ना वो हमने किया था। क्या तुमने किया था वो? चलो तुमने ऐसा थोड़ी कि तीर निकाल दोगे नथनी में सोचो छोटा बड़ा कर दोगे तुम। कहता अच्छा लक्ष्मण दिखा एक और। इस बार लक्ष्मण जी ने तीर मारा और नथनी निकल गई। कहता नथनी कहाँ है? कहता बोले थे हम, कहता नथनी में तो वापस कर दो। राम जी ने तीर मारा और नथनी को लेके उसकी नाक में डाल दिया। कहते और कुछ देखना है? कहता है नहीं जी करो जो करना है। ऐसे एक समय राम लक्ष्मण ने देखा कि ना बाहर कुछ बच्चे हैं वो आंख में चोरी खेल रहे हैं, आंख में पट्टी बांध करके, तो वो भी खड़े हुए थे। कहता हमें भी मौका मिलेगा, पर ये लोग ना एंटरटेन नहीं करते, उनको लगा शायद इसलिए एंटरटेन नहीं कर रहे कि तो राजकुमार लोग हैं हम तो साधारण बच्चे हैं। तो राम जी ने बोला हमको भी आंख में चोली खेलनी है, आप हमको आंख में चोली क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे आप लोग? वो जो बच्चे खेल रहे कहा था नहीं जी नहीं आपको आंख में चोली में नहीं खिलाएंगे हम। क्यों? क्योंकि
आपकी जो आंखें हैं, एक आंख है सूर्य, एक है चंद्रमा, पट्टी बांध भी लो सब दिखना है आपको, तो इसलिए आप आपके साथ आंख में चोली खेलना है कोई फायदा नहीं है। तो भगवान के साथ कोई आंख में चोली नहीं खेल सकता है जी, भगवान सब देख रहे हैं। यस, जहां तेरी ये नजर है मेरी जहां मुझे खबर है। प्रभु से कुछ नहीं बचता जी, हमारी इच्छाएं कहाँ कहाँ जा रही हैं, हमारी भावनाएं कहाँ कहाँ जा रही हैं, हमारी नजरें कहाँ कहाँ जा रही हैं, हम क्या क्या योजना बना, सब कुछ पता है उनको, एवरीथिंग। उन्होंने कहा जी हम आंख में चोली आपके साथ नहीं खेलने वाले, आपसे कुछ छुपा तो है नहीं, आप जो करना चाहें कर सकते हैं ऐसा। तो इस प्रकार से राम और लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, दे वर रिसीविंग देयर एजुकेशन, वंडरफुल एजुकेशन, और चारों भाइयों थे एक दूसरे के साथ बड़ा खुश रहा करते थे, और गुरुकुल में रहते हुए भी दे वुड स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टॉकिंग टू ईच अदर, एक दूसरे से बात करना। और राम जी के साथ क्या है, राम जी ये नहीं देखते मैं बड़ा हूँ तो थोड़ा बॉसगिर दिखाएंगे कि पहले वो मुझे बोलेगा नमस्ते, नहीं, राम जी की विशेष बात यह है सबसे पहले वो जाके बोलते हैं हे लक्ष्मण कैसे हो, हे भरत, हे शत्रुघ्न, मतलब उनको ना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है चारों भाइयों में कि मैं बड़ा हूं, हे छोटा है ना, छोटा बनकर है नहीं, राम जी ऐसे नहीं है, राम जी ही इज सो वेरी एक्सेसिबल टू एवरीवन। तो इस प्रकार से चारों भाइयों ने दे हैड सच ब्यूटीफुल मास्टर। वैसे अगर आप देखेंगे ना रामायण के अंदर बाल लीलाएं बड़ी कम है, ये मैंने आपको बताई ना, इसमें कुछ कम रामायण किए हैं, कुछ आध्यात्म रामायण किए हैं, अगर आप देखें बाल कांड के अंदर बाल लीला तो है नहीं राम जी की, ऐसा क्यों जी, क्योंकि राम जी के आने का एक पहला पर्पस है कि वो है मर्यादा पुरुषोत्तम, क्योंकि वो है मर्यादा पुरुषोत्तम, तो मर्यादा को सेट करने के लिए आए हैं, मर्यादा को स्थापित करने के लिए आए हैं। इसीलिए हम देखते हैं राम जी लीलाओं के अंदर बाल लीलाएं बड़ी कम है, लेकिन कुछ रामायण के ऐसे वर्जन है जहां पर राम जी की ऐसी लीलाएं कुछ मिल जाती हैं, अदरवाइज नॉट, अदरवाइज ऐसा नहीं है। लेकिन बाल कांड इसलिए भी आता है क्योंकि विश्वामित्र मुनि अपने बाल यानी कि उनके बेसिक स्टेटस ऑफ स्पिरिचुअलिटी से अपग्रेड किया अपने आप को राम जी की एसोसिएशन में, इसलिए बाल कांड नाम दिया, अदरवाइज राम जी की बाल लीलाएं देखने को मिलती ही नहीं है। बट यस, ऑल द फोर ब्रदर्स दे आर थोरो इन लव विद ईच अदर। उस प्रकार से वो विशा अपना वशिष्ठ मुनि के आश्रम में रहे और उन्हें अपनी विद्या को पूरा किया, और विद्या पूरी करके जब वापस अयोध्या आए तो इतना भव्य रूप से उनका स्वागत हुआ कि हमारे बच्चे जो है उन्होंने अपनी विद्या पूरी की है ऐसा। बट यस, ऑल द फोर ब्रदर्स दे आर सो मच इन लव विद ईच अदर, और चारों का चरित्र इतना सुंदर है कि अयोध्या वासी उनके चरित्र में ही रमते रहते हैं, उनकी छोटी छोटी बातों में, उनके एक्सचेंजेस में, उनके आलिंगन करने में, उनका एक दूसरे के लिए आंसू बहाने में ऐसा। तो इस प्रकार से बड़ी सुंदर इनकी बाल लीला है, इस प्रकार से रामचंद्र जी प्रकट हुए अयोध्या के अंदर, और हमेशा हर रोज उत्सव का समय ही रहा अयोध्या में, जब तक चारों भाई साथ साथ हैं हर दिन उत्सव था, हर पल उत्सव था अयोध्या के अंदर। ठीक है जी, तो यहीं पर विराम देते हैं, जय श्री सियावर रामचंद्र जी की। किसी को प्रश्न है, लेट्स टेक फ्यू क्वेश्चंस नाउ। हाँ जी पूछिए जी। यस, हरे कृष्णा। हाँ जी, हाँ कुछ लोग ये मानते हैं कि वो वहाँ फिर वो मिडिल ईस्ट चली गई थी, बुरखा पहन के रहती थी, तो फिर वो तो ऐसा कहीं शास्त्र में लिखा तो नहीं है, ऐसा मान्यता है। तो मान्यता कितनी मान्य है राम जाने। ठीक है जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता भाई, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, बस वही है खिलौना चल रहा है, राम जी ने चाबी भरी हुई है, चाबी खत्म, खिलौना बंद। हाँ जी बताइए जी। यस, हरे कृष्णा। मेरा प्रश्न है कि नाम किसका जप करें, कृष्ण जी का, शिव जी का, या फिर राधे राधे? पर्ची निकाल लो यार जिसका नाम निकला है हमारे। देखिए वैसे राधे राधे, वैसे जो लोग बोलते देखो उनकी मान्यता जो करना चाहे कर सकते हैं, वैसे राधे राधे बोलने का अधिकार सिर्फ कृष्ण को है,
श्रीमती राधा रानी बोलती हैं कृष्ण कृष्ण, कृष्ण बोलते हैं राधे राधे, तो जीवात्मा क्या बोलेगी भला? राधे कृष्ण। हमें क्या बोलना चाहिए? राधे कृष्ण। जैसे हम ये नहीं बोलते सीते सीते, हम क्या बोलते हैं? सीताराम। हम ये नहीं बोलते रुक्मणी रुक्मणी, हम बोलते हैं रुक्मणी द्वारकाधीश। हम ये नहीं बोलते गौरी गौरी, हम बोलते हैं गौरी शंकर। हम ये नहीं बोलते लक्ष्मी लक्ष्मी, हम बोलते हैं लक्ष्मी नारायण। उस तरह से राधे राधे के बजाय हमें बोलना चाहिए राधे कृष्ण। तो प्रभु, तो कोई बोल सकता है कृष्ण बोलने की जरूरत ही नहीं है, राधे राधे जब उजले आएंगे बिहारी। तो प्रभु जी प्रेमानंद जी, तो कृष्ण बोलने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन हम जरूरत के लिए नहीं बोलते, हम अपने ईष्ट की खुशी के लिए बोलते हैं। हमारा ईष्ट श्रीमती राधिका की प्रसन्नता किसमें है? जब उनके नाम के साथ कृष्ण का नाम हो, इसलिए हमें बोलना चाहिए राधे कृष्ण। तो ऐसे कोई मान लो कोई संत हैं, चाहे वृंदावन में हो चाहे कहीं पे भी हो, वो लोग राधे राधे बोलते हैं, उनका मानना है उनका नहीं। लेकिन हम बोलेंगे क्या? राधे कृष्ण, या राधे कृष्ण बोले तो हरे कृष्ण। सो हरे कृष्ण में ज्यादा प्रसन्नता है श्रीमती राधा रानी को। और ये हरे कृष्ण महामंत्र पता है किसने दिया था? क्रतु मुनि ने दिया था वृषभानु जी को। और इस हरे कृष्ण महामंत्र को बोल करके वृषभानु जी के यहां प्रकट हुई श्रीमती राधा रानी। तो कौन सा मंत्र ज्यादा प्रसन्नता देगा राधा रानी को? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें वो नाम लेना चाहिए जिसमें हमारे ईष्ट को खुशी हो, वो नहीं जो हमें पसंद है। हमें तो ये अच्छा लगता है, हम राधे राधे कर ले तो तुम कर लो जी, लेकिन ईष्ट की खुशी देखनी चाहिए हमें। ऐसी होता क्या ना, हम अपने जैसा मानते राधा रानी को कि अगर वो मेरा नाम ले तो मुझे अच्छा लगेगा। ए सरिता सरिता, हाँ कोई हमारा नाम ले तो हमको ऐसे उनको पूछा लगता है राधे राधे, राधा रानी बोली ओ मेरा नाम लिया सो नाइस। पश्चिमी राधा रानी को अच्छा लगता है उनके नाम के साथ किसका नाम ले? कृष्ण का नाम, राधे कृष्ण, राधे श्याम, श्यामा श्याम। तो श्रीमती राधा रानी के नाम साथ में कृष्ण नाम होना चाहिए। तो राधे राधे कौन बोलता है? कृष्ण। कृष्ण कृष्ण कौन बोलता है? राधा रानी। जीवात्मा क्या बोलेगी जो इनका भक्त है? राधे कृष्ण, राधे कृष्ण बोलना चाहिए। ठीक है जी, एक क्वेश्चन और प्रभु जी। हाँ जी, मैं कई बार जैसे डिसीजन लेने में कंफ्यूज रहता हूँ, तो किसी समझदार व्यक्ति से परामर्श लो, बजाय कि हम रिटर्न ट्रायल मेथड से गलतियां करके सीखें। जिसने ऑलरेडी गलतियां की हुई हैं उसी गलतियों से सीखें, जो थोड़ी है उसने चोट खाई हम भी चोट खा के सीखेंगे, नहीं किसी और जो चोट खाई उससे खुद सीखना चाहिए। ठीक है जी, हाँ जी। और हरे कृष्णा महाराज जी। महाराज जी बोलो जी। प्रभु जी, प्रभु मेरा एक क्वेश्चन है कि हम आत्मा है या शरीर? कौन बताएगा सर जवाब? हम आत्मा है या शरीर? आत्मा है, हम शरीर में रहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हम वो होते हैं जो बदलता नहीं है। शरीर तो बदल रहा है, राइट? क्या नहीं बदल रहा? आत्मा। जैसे 5 साल का बच्चा होता है उसे पूछो बेटा तुम्हारा नाम क्या है, बोलेगा हेरा नाम बंटे है। फिर 10 साल का होगा बेटा तुम्हारा नाम क्या है, मेरा नाम बंटे है। वो 25 साल का होगा वेल माई नेम इज बंटे। जब बूढ़ा होगा तो हमारा नाम बंटे है। जब बंदा मर रहा होगा मेरा लेकिन शरीर तो चेंज हो रहा है, 5 साल का 10 साल का 15 साल का 25 साल का शरीर तो बदल गया, लेकिन हर बार क्या बोल रहा है बंटी। तो बंटी कौन? आत्मा। शरीर तो बदल रहा है, हर 7 साल में शरीर हमारा पूरा बदल जाता है। हमारे बॉडी के एक एक सेल आज जो है आज से 7 साल बाद इसमें से एक भी नहीं होगा, बदल जाता है। तो जो बदल रहा है वो कैसे हम हो जाएंगे? जो नहीं बदल रहा है हम वो हैं, क्या? आत्मा, राइट? तो आत्मा शरीर में रहती है तो हम आत्मा हैं। लेकिन फिर भी शरीर का ध्यान रखना चाहिए, जैसे हम कपड़ा नहीं है फिर भी कपड़े का ध्यान रखना है, इसको धोते भी हैं प्रेस भी करते हैं, राइट? वो सारे शरीर का ध्यान रखना चाहिए, नहीं सोचे तो ठीक है हम शरीर तो नहीं है ना तो मार गली इसके नहीं। जैसे गाड़ी है ड्राइवर है,
गाड़ी को भी पेट्रोल पिलाएंगे, लुब्रिकेंट पिलाएंगे, लेकिन साथ में ड्राइवर को भी खिलाएंगे। ऐसे नहीं बस गाड़ी को खिलाएंगे, ड्राइवर कह रहा साहब हमें भी कुछ दे दो, चपे गाड़ी जरूरी होती है तो पेट्रोल, तो फिर वो बोले सर मेरे को कुछ दे दो, अच्छा ठीक है तू भी एक ग्लास पेट्रोल पी ले, चल तू पहले पी ले। ऐसा करेंगे हम नहीं, गाड़ी का खाना अलग है, ड्राइवर का खाना अलग है, सुशेरी का खाना क्या, पराठे शराठे मारो खराठे, ये हो गया आपका शरीर का खाना। लेकिन आत्मा खाना भी है, आत्मा का खाना क्या है, भक्ति। तो उसको भक्ति, शरीर को प्रसाद, यस। तो दोनों को खिलाना चाहिए। हाँ और हाँ जी पूछिए, यस। जैसे कि अंतिम अवतार कल्कि जी आएंगे, हैं जी, जैसे अंतिम अवतार कल्कि अवतार आएंगे, हाँ जी बिल्कुल। तो उसके बाद जैसे कि जो ये वापस हो रहा है, ये वापस रिटर्न होगा क्या, क्या होगा अगली बार जैसे सृष्टि का पुनः निर्माण होगा ना, हाँ, तो जो ये जो सारी घटना हो रही वापस होगी, ना 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 वहाँ अलग घटनाएं होंगी, नहीं रहोगे, या जिसने पाप किया होगा नर्क में होगा, कहता है वहाँ घटनाएं चली जा रही है, हम तो यहाँ पर हैं, कहते क्या करे बेटा तुम्हें टंगड़ी इतनी तोड़ी है, इसलिए तो वहाँ पड़ा हुआ है तू, राइट। तो इसीलिए ऐसा नहीं कि अगली बार फिर से सतयुग आएगा या कलयुग आएगा फिर से आप इस तरह से खड़े होगे, फिर से आप माइक पे खड़े होकर बोलोगे प्रभु जी क्या दोबारा रिपीट होगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं प्रेजेंट में नहीं रह पाता हूँ, पास्ट या फ्यूचर में ज्यादा रहता हूँ। हाँ क्या करें मैं प्रेजेंट में रहने के लिए, पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, बट प्रेजेंट इज अ गिफ्ट। इसे हम किसको गिफ्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेयर इज अ प्रेजेंट फॉर यू, क्योंकि प्रेजेंट क्या है, वो गिफ्ट है, प्रेजेंट में रहना चाहिए। एक्चुअली जो पास्ट होता है वो होता है तमोगुण में, फ्यूचर होता है रजोगुण में, प्रेजेंट होता है सतोगुण में। तो जो व्यक्ति प्रेजेंट में रहेगा इसका मतलब वो व्यक्ति किसमें है, सतोगुणी लोग ना प्रेजेंट में रहते हैं, कहते भाई अभी देखो अभी क्या चलना, अभी क्या करना है। रजोगुणी व्यक्ति भविष्य में पता नहीं पैसा कमा पाएंगे नहीं कमा पाएंगे, बच्चों के दहेज इकट्ठे हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, शादियां हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, मैं तो मांगलिक हूं लड़की मिलेगी नहीं मिलेगी, ये क्या है रजोगुण, फ्यूचर। तमोगुण क्या होता है, पास्ट को लेकर के, ऐसा कैसे कर दिया, सबके सामने अपमान किया हमारा, उन शब्दों को हम भूल नहीं सकते, वाह तमोगुण। तो पास्ट इज इन तमोगुण, फ्यूचर इज इन रजोगुण, प्रेजेंट इज इन सतोगुण। तो जितना आप सतोगुण में रहोगे ना उतना आप प्रेजेंट में रह पाओगे। और देखो जितने जो लोग प्रेजेंट में रहते हैं वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, वो ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, राइट। तो आप आगे का या पीछे का सोचते रहेंगे हम गए। तो मन का जो पक्षी है उसे दो पंख हैं, भूतकाल भविष्यकाल, इन्हीं दो पंखों पे उड़ता है मन का पक्षी। इसे मन के पक्षी के दोनों पंख काट देने चाहिए, सर प्रेजेंट में रहो, अभी क्या करने का है वो सोचो, भविष्य में क्या होगा क्या होगा, पलेंगे नहीं पलेंगे, जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, खाने को होगा नहीं होगा, अभी तक कैसे चल रहा है, चल रहा है ना, ऐसे आगे भी चलेगा, इसलिए प्रेजेंट में रहना चाहिए। तो कैसे रहे प्रेजेंट में भला, किसी भी एक्टिविटी को अगर आप जोर शोर से करते हो ना तो आप प्रेजेंट में रह पाते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल पढ़ रहे हो आप, पढ़ते पढ़ते मन आपका यहां भाग रहा है, बोल बोल के पढ़ो, बोल बोल के पढ़ना चाहिए, बोल बोल के पढ़ेंगे तो वहीं पे रहेंगे आप, यस। सो किसी एक्टिविटी को उत्साहपूर्वक करना, जैसे लोग पिक्चर हॉल देखने जाते हैं ना पिक्चर को, तब कोई नहीं सोचता फ्यूचर का प्रेजेंट, अरे मार गोली यार पिक्चर देख भाई पॉपकॉर्न, क्योंकि वो उस एक्टिविटी को उत्साहपूर्वक कर रहे हैं इसीलिए। सो एनी एक्टिविटी डन आउट ऑफ एंथुजियाज्म तो आप उसको अच्छे से कर पाते हो, तो इसलिए प्रेजेंट में रहना। और अल्टीमेट इतना सत्वगुण का विकास करेंगे आप तो आपके फिर ये दोनों से आपका डिस्कनेक्शन हो जाएगा, राइट। पास्ट को लेकर चलना नहीं, जो हो गया यार और क्या काई को लेगा, फ्यूचर में अब प्रेजेंट अच्छा होगा ना, इसी से तो फ्यूचर बनना है, राइट। प्रेजेंट अच्छा करना चाहिए इसलिए। पर ये सोच कैसे आती है, सत्वगुण से आती है। हाँ और हाँ बताइए, यस हरे कृष्णा प्रणाम। डू योर बेस्ट देन कृष्णा टेक्स केयर ऑफ रेस्ट, ये है फॉर्मूला।
ठीक है ना, स्टूडेंट लाइफ में बेस्ट क्या कर सकते हो, पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज किए बिना। ऐसे नहीं भक्ति करी, जपा किया, माला की, पढ़ाई हुई नहीं, फिर एंट्रेंस हुआ ही नहीं आपका, फिर आप दुखी हो गए, कहते लोग क्या दिया भगवान ने, 16 माला की, मेरा एंट्रेंस ही नहीं हुआ। कहते बहन जी पढ़ना भी होता है साथ में, ऐसे थोड़े होता बस हम करेंगे प्रभु हरे कृष्ण, मेरा एंट्रेंस एग्जाम सारे पार हो जाएंगे, हो जाए फिर तो काम नहीं, ऐसा नहीं है। तो पढ़ाई भी करनी है अच्छे से, पढ़ाई बिना कॉम्प्रोमाइज किए हुए प्रैक्टिकली जितनी भक्ति कर सको उतना करना चाहिए, ठीक है जी। हाँ ऐसा, और हरे कृष्णा, वो माइक सिर्फ उसके लिए है, आपको फीलिंग आए उसके लिए। कई बार की आज जैसे हम भी देखते कि जैसे हमारे इस माइक को थोड़ा मुंह के पास लेके आओ, हमारे गुरु प्रभुपाद है, हाँ। तो जो स्कूल में पढ़ा रहे वो जैसे बोलते कि ये भी तो हमारे गुरु है, तो इसलिए शिक्षक और गुरु में क्या डिफरेंस है? देखो जो स्कूल में शिक्षक है वो पापी पेट के सवाल वाले गुरु जी है बस। क्या बस दो वक्त की रोटी कमानी है यार बताओ, क्योंकि जो ज्ञान मिलता है स्कूल में उसमें किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, कौन पढ़ेगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये वो, कॉमर्स की पढ़ाइयाँ, बैलेंस शीट और क्रेडिट और डेबिट, कोडिंग क्यों करते हो भैया? दो वक्त की रोटी कमा रही है भाई, दैट्स इट। जितने लोग MBA करते हैं उनसे पूछे MBA क्यों करते हो, ज्ञान की प्यास है तुमको। MBA करके पैकेज अच्छा लग जाता है जी। तो हमें स्कूल कॉलेज में जो पढ़ाया जाता है वो किसके लिए है? पापी पेट। तो बॉडी में कितना ऑर्गन है? एक ही ऑर्गन है ना, पापी पेट, और तो कुछ नहीं है ना? नहीं, उसके यहाँ एक और ऑर्गन भी है, हृदय। हृदय के लिए भी हमें गुरु जी चाहिए, वो है भक्ति से, भक्ति करने के लिए मार्गदर्शन चाहिए ना, तो इसलिए वहाँ हमें गुरु चाहिए। तो गुरु का मतलब आध्यात्मिक गुरु, जो स्कूल में है वो टीचर है, उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, पर जो हमारे गुरु हैं, नहीं हमारे गुरु नहीं है वो, क्योंकि वो सिर्फ हमें सांसारिक विद्या ही देते हैं, तो उनकी रिस्पेक्ट करो, पांव भी छू लो, आशीर्वाद भी ले लो, लेकिन जो गुरु जो टाइटल है इज ओनली फॉर स्पिरिचुअल गुरु। ये तो आजकल लोग गुरु सब जगह लगाते हैं, फाइनेंस गुरु, मार्केटिंग गुरु, लव गुरु। लेकिन गुरु एक्चुअली किसके लिए होता है? आध्यात्मिक गुरु ही गुरु होता है, बाकी लोग टीचर हैं, मेंटर्स हैं, गाइड्स हैं, काफी है, ठीक है जी। हाँ अगला सवाल, है वो अगला पिछला को सवाल वाला, किसी को सवाल है एक, किसी को सवाल है दो, हाँ पौने तीन, हाँ यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपके चरणों में प्रणाम। प्रभु जी शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु में क्या अंतर होता है? प्रभु ओके, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु में क्या अंतर होता है? जो दीक्षा देते हैं उनको बोलते हैं दीक्षा गुरु, जो शिक्षा देते हैं उनको बोलते हैं शिक्षा गुरु। वाह, ये तो हमको वैसे ही पता था, इसमें कौन सी बड़ी बात है? प्रभुपाद जी हमारे, देखिए होता क्या है, आपके शिक्षा गुरुओं में से ही जो आपको सबसे अधिक प्रेरणा देता है आप उससे दीक्षा भी ले लेते हो, तो वो व्यक्ति वो शिक्षा गुरु अब आपका दीक्षा गुरु भी बन जाता है। ऐसे नहीं दीक्षा गुरु से शिक्षा लेनी नहीं होती, कहता आप तो दीक्षा गुरु, खबरदार शिक्षा दी मेरे को, तो वो मैं से शिक्षा गुरु से लेता हूँ मैं, ऐसा नहीं होता है। तो हमारे बहुत सारे शिक्षा गुरुओं में से एक शिक्षा गुरु जो सबसे अधिक प्रेरित करता है भक्ति में, उससे फिर हम दीक्षा भी ले लेते हैं, तो दीक्षा गुरु इज ऑल्सो शिक्षा गुरु, यस ठीक है जी। ऐसा होता है, तो हमारे जीवन में सबसे पहले आते हैं पथ प्रदर्शक गुरु, जो कि हमें सबसे पहले भक्ति में इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर उनके आने के बाद फिर हमारे जीवन में आते हैं शिक्षा गुरु, जिनसे हम भक्ति का विज्ञान सीखते हैं, जो कि भक्ति की सटलिटीज हमको समझाते हैं, उसकी सूक्ष्मताओं को समझाते हैं, जो कि वो भक्ति के विज्ञान में बड़े दक्ष हैं। फिर इन शिक्षा गुरुओं में से हम एक को दीक्षा गुरु मानते हैं, और शिक्षा गुरु का कार्य है व्यक्ति की दीक्षा गुरु में श्रद्धा बढ़ाना। तो अगर कोई ऐसा शिक्षा गुरु जिसे सुन करके मेरी दीक्षा गुरु में श्रद्धा कम होती है, तो ये व्यक्ति मेरा शिक्षा गुरु बनने के लायक नहीं है। हो सकता है वो संत हो, मेरे लिए पूजनीय भी हो, लेकिन वो मेरा शिक्षा गुरु नहीं बनने वाला, ठीक है जी। तो इस प्रकार से हमें दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु दोनों का संग करना चाहिए, तो दैट मीन्स शिक्षा गुरु शुड बी इन लाइन विद द मूड विद दीक्षा गुरु। इसका मूड अलग, उसका मूड अलग, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे मैं किसको फॉलो करूं। दीक्षा गुरु चाहते हैं आप शहर में रहकर प्रचार करो, शिक्षा गुरु बोलते हैं नहीं तो वृंदावन में आ जाओ भजन करते हैं, कहते हैं मैं कहाँ जाऊं भाई। सो बोथ ऑफ देम शुड बी अलाइंड इन सेम मूड, ऐसा ठीक है जी। हाँ जी, और हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर अ वेरी ब्यूटीफुल लेक्चर।
Prabhuji, we are very fortunate that we got your association. We are very fortunate that we got your association. And like I didn't imagine like I will see मतलब इतना पास से आपको कभी देख पाऊंगा. लास्ट टाइम आई रिमेंबर आई अटेंड यू एट पुणे गोलीबार में देन. सो आई वॉज इन द एंड ऑफ द एंड आई वॉज सीन यू इन द स्क्रीन. सो आई एम स्पेशली फीलिंग वेरी धन्यवाद. क्वेश्चन इज प्रोजी, सो समटाइम प्रोजी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन. यू जस्ट टोल्ड लाइक रजो तमस. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन व्हाट? सात्विक रजो एंड तमस. So we are in grahastas, so like sometimes we need rajas also to. So sattva rajo tamo ko manage karna mushkil hota hai, ye puch rahe ho aap. So like currently we are at your in the katha in the spiritual world. So we are in sattvic mood again. Yeah. When we start our office on Monday again, we feel like are yaar kaha aage fis. Bilkul. So how we can maintain progress? Kis prakar se manage kare? Hum to grahast jeevan mein hai, zimmedariyan hai aur sattva rajo tamo inke द्वंद में अक्सर हम खो जाते हैं, गृहस्थ लाइफ में है, तो भला इस द्वंद को हम कैसे संभालें? ये सवाल है ना आपका? ठीक है, बिल्कुल. देखिए होता क्या है, अगर कोई वॉरियर है उसको जाना है बैटल फील्ड में, रण क्षेत्र में जाना है उसको, तो उसको टी शर्ट पहन के निकल लेना चाहिए, मुंह में रिग्लिस की चिंगम. तो रणभूमि क्या हाल होगा उसका? तीर खाएगा, चक चक. ओ, 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 ओ. कैसे गए थे रण क्षेत्र में? सर यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन की शर्ट पहन के गए थे बस. कवच पहन के जाना चाहिए. अगर कवच पहन के अगर कोई रण क्षेत्र में जाए तो तीर चलेंगे उसके ऊपर, लेकिन क्या होगा? क्योंकि कवच पहन के गए ना, इसीलिए. तो कवच क्या है गृहस्थ आश्रम में? ये कवच है हमारी मॉर्निंग साधना, ये है कवच. अगर आप एक कवच पहन के जाएंगे, सुबह उठे आपने अच्छे से जप किया, थोड़ा आधा घंटा भागवत पढ़ के गए, एंड देन यू आर देयर इन योर ऑफिस, आपका बिजनेस, आप दिन भर में जो रजो और तमो के अटैक आपके ऊपर होंगे आप उनको संभाल लोगे. पर आप सुबह उठे, 7 बजे उठे, चाय का है, चाय में हमने बिस्किट डुबो डुबो करके, फिर आप निकल गए ऑफिस चौधरी बन करके, तो फिर तो तीर खाओगे, चक 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 चक. फिर शाम को आके फिर तीर निकालोगे, अजी सुनती हो भगवान. तो रात का टाइम तो रिकवरी में निकल जाएगा फिर आपका. तो इसलिए दिन भर में अगर आपको चाहिए रजो तमो के तीर से अगर आप बचना चाहते हैं तो कवच पहन के निकलना चाहिए. कवच किस चीज का है? हमारी मॉर्निंग साधना. यस. और मेरा खुद का अनुभव, जब मैं काम करता था तो मान लो सुबह में थोड़ा लेट उठा, ऐसे 2-4 माला करके निकल लिया ऑफिस, काम करने में दिक्कत होती थी. आष्टी किसी ने कोई आरोप लगा दिया, किसी ने कोई मीटिंग में फाँ फूफा कर दिया, किसी ने संभालने में थोड़ा जोर लगाना पड़ता था. पर जिस दिन सुबह माला करके गए, 14 माला 12 माला 16 माला करके गए, कुछ हुआ भी तो कूल मैन, आराम से निकल जाते थे. तो इसीलिए कवच पहन के निकलना चाहिए. इसलिए गृहस्थ व्यक्ति के लिए तो मॉर्निंग साधना कंपलसरी है, उसके लिए सुबह उठना पड़ेगा. सुबह उठने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? रात को टाइम से सोना, क्योंकि कुछ घरों में रात के 10-11 बजे शाम जमा होती है. अच्छा अब भी गए सो जाए, तो सिर्फ 11 बजे हैं. नेटफ्लिक्स पे एक पिक्चर तो बनती है, फिर आप 11 बजे पिक्चर देखिए, आपने 1 बजे सोए, फिर सुबह कितने बजे उठेंगे हम? 7 बजे 7:30 बजे, फिर ड्राई क्लीन होकर के निकल लिया ऑफिस, तो पिटेंगे. तो रात को टाइम से सोना है, सुबह टाइम से उठना है, बहुत जरूरी है ये, नहीं तो गृहस्थ तो कचूमन निकल जाएगा उसका. यस. हाँ जी. और गृहस्थ नहीं, ब्रह्मचारी के साथ भी है. ब्रह्मचारी मालूम मॉर्निंग साधना नहीं करेगा ना, ब्रह्मचारी नहीं रह पाएगा, वो तड़प जाएगा. वो कहता है रोज सेम ही कलर के कपड़े पहनने पड़ते हैं यार, कभी तो हरा पहनाओ, कभी नीला पीला ही पहने भाई, रोज वही कपड़ा यार. तो ब्रह्मचारी आश्रम भी कैद बन जाती है ऐसे ब्रह्मचारी के लिए जो साधना नहीं करता. फिर एक दिन वो उसका होता है, कैसा पीपनी कैसे बजी आपकी? मॉर्निंग साधना ना करके बजी. सो ब्रह्मचारी हो गृहस्थ हो, मॉर्निंग साधना मस्ट. हाँ जी. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा.
प्रभु जी, जैसे कि भगवद गीता में भगवान बोलते हैं कि कृष्ण, भगवान कृष्ण बोलते हैं 10.20 में और 15.15 में कि परमात्मा के रूप में मैं सबके हृदय के अंदर हूँ। यस। तो प्रभु जी एक श्लोक में वो ये भी बोलते हैं कि मैं डाइजेशन भी करता हूँ सबका। yes. जठराग्नि के जठराग्नि में। प्रभु जी वो डाइजेशन कैसे करते हैं? डाइजेशन कैसे करते हैं भगवान? एक्चुअली डाइजेशन जो है ये संभव हो पाता है क्योंकि भगवान ये जो बता रहे ना कि मैं पेट में जठराग्नि हूँ, ये चैप्टर का नाम है विभूति योग। क्या है? विभूति योग। हाँ, तो जो डाइजेशन हो रहा है वो उनकी विभूति से हो रहा है। ऐसे नहीं भगवान खुद अंदर घुस करके खाने को बचाते हैं, पनीर वगैरह लगे हैं भगवान अंदर को चुमा निकालने में, इसका ऐसा नहीं है। तो जठराग्नि क्या है? भगवान की विभूति है, ठीक है जी। तो इस तरह से भगवान बता रहे हैं, हम ये ना सोचे भगवान लिटरली वहां बैठे हुए हैं सबके पेटों के अंदर, उसको ऐसा नहीं है। ऐसे भगवान ये बोला, अमंग द बीस्ट आई एम लायन, बक्षियों में मैं सिंह हूं। वैसे थोड़ी हम जू में जाकर के अगरबत्ती जलाए शेर के आगे, शेर भाई, भगवान बोले कृष्ण सिंह हैं। भगवान ये बोला कि अमंग द एक्वेटिक्स आई एम शार्क, अब आप चले गए समुद्र किनारे, शार्क को देख रहे, बहन जी एक मिनट में आ रहा हूं। शार्क कह गया, आज तो संडे लफीस खुद ही आ रही है, शाबाश। तो ये विभूति हो गया, यानी कि भगवान बता रहे हैं किसी ग्रुप ऑफ चीज में कोई विशेष चीज अगर है वो विशेषता मुझसे है, ऐसा। तो इससे अगर पेट में जठराग्नि है तो कृष्ण की कृपा से है, यानी किसी को खाना पच रहा है ये भगवान की अनुकंपा है उसके ऊपर। पर कोई लगा है कायम झूंड खा रहा है, क्या करें साहब पछता नहीं है, अह लगे होता बेचारा, ओए ओए कुछ को पछता नहीं है, लेकिन अजवाइन लेके बैठे हुए हैं, ऐसे कर रहे हैं, मुंह में डाल रहे हैं गर्म पानी के साथ, पछता नहीं भाई। तो इवन खाना पचना भी भगवान की कृपा से संभव हो पाता है, नहीं तो कहीं को एसिडिटी हो जाती है, खाना खाते हैं एसिडिटी हो गई, फिर डाइजिन लेके बैठे हुए हैं, राइट, पाइनएप्पल फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, क्यों खाता, क्या करूँ, जठराग्नि। और प्रभु जी भगवान ये भी कहते हैं कि आई एम द आउटगोइंग एंड इनकमिंग एयर ऑफ लाइफ। यस। इसका क्या अर्थ है थोड़ा बता? देखो आउटगोइंग इनकमिंग जो एयर होती है ना उससे आपकी प्राण वायु बैलेंस होती है एक्चुअली। अगर आपकी इनकमिंग और आउटगोइंग ये एयर अगर इम्बैलेंस हो जाएगी ना आपके शरीर की सारी वायु हिल जाएगी, इसलिए भी। साथ ही जो पांचों वायु हैं बॉडी के अंदर, सारा शरीर चल रहा है, चाहे मसल मूवमेंट हो, एक्सक्रीशन हो, ब्लड की मूवमेंट हो, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ वायु। तो वायु कौन दिख रहा है? भगवान देख रहे हैं। हरे कृष्णा, ठीक है जी। हाँ जी, और हाँ ये माता जी को दो, बोलिए कहाँ पहुँचा माइक, पूछिए पूछिए। हाँ जी हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरा प्रश्न है, जैसे हम भोग लगाते हैं, हाँ जी, और भोग लगा के हम जैसे ड्राइंग रूम में आए जहाँ सारी मतलब फैमिली बैठी है, हाँ जी, और उस टाइम कोई नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया, तो क्या उसका इफेक्ट उस भोग पर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ता, भगवान तो अपना भोग पाएंगे पाएंगे। देखो वहाँ ये थोड़ी कहेंगे तुम लड़ लो तो मैं छोड़ दूंगा इसको, नहीं ऐसा नहीं। हम जब पाने बैठे भोग, बेस्ट तो ये है, देखो जब आप भोग लगाओ तो ये नहीं कि भोग लगा करके छोड़ दिया आपने, क्या तो तुम खाते रहो हम चले गप मारने के लिए, ऐसा नहीं होता। जब भोग लगना चाहिए उस वक्त भक्त को बाहर बैठ के एक माला जप करना चाहिए, मेडिटेट करते हो कि हाँ भगवान अब पापड़ खा रहे हैं, भगवान अब दही खा रहे हैं, माखन मिश्री खा रहे हैं, पराठे खा रहे हैं, पिज़्ज़ा पा रहे हैं, पास्ता पा रहे हैं, अब हलवा पा रहा है, पा लिया उन्होंने, हाँ ऐसे मेडिटेट करना चाहिए, भगवान भोग को स्वीकार कर रहे हैं। ऐसे नहीं गए पर आओ भोग लगाओ मोरे श्याम जी श्याम जी, और फिर हम निकले गप मारने के लिए, आ भाई ऐसा नहीं होता है, वहीं बैठ कर भगवान को भोग लगाना होता है, कम से कम, ठीक है जी। तो हाँ, हाँ कितना टाइम तक भोग लगना चाहिए? कम से कम एक माला वाला ड्यूरेशन, लेकिन जिस दिन आपने 56 भोग लगाए हुए तो 15 मिनट दो, और इसे 56 को आपने 56 सेकंड बाद निकालेंगे, भगवान आपने देख तो लिया ही होगा सब कुछ नहीं। और अगर प्रभु जी जल्दी ले लिया या फिर थोड़ा लेट लिया उससे तो इफेक्ट? तो इससे बढ़िया ना एक माला जप, कितना टाइम देना है कहते बस एक माला जप करनी है, अब 7 मिनट एक माला हो गई, फिर बड़ा धन्यवाद प्रभु आपने चटनी को स्वीकार किया, पकौड़े स्वीकार किए, समोसा स्वीकार किया, धन्यवाद ऐसा। सो यू शुड नॉट बी, सो भगवान शुड नॉट बी ट्रीटेड जैसे कि भोग ऑफरिंग मशीन, या करना क्या बस मार ताली निकाल थाली, ऐसा नहीं होना चाहिए।
ठीक है जी, भोग लगाए तो भगवान आप गेस्ट है ना, गेस्ट के साथ बैठते हैं ना, हाँ जी कुछ और चाहिए क्या, जिससे भक्त जो है बाहर बैठ के जपा करता है, इसीलिए ऐसे नहीं कि भोग लगा करके हम घूमने निकल गए, वो हो गए आधा घंटा हो गया, निकाला नहीं, निकाल भाई निकाल यार, जल्दी हो रही है भाई, निकालो, खा लिया है नहीं खाया है, नहीं खाए हम तो खाएं, थैंक यू प्रभु जी, ठीक है ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ जी प्रभु जी, ये बाल क्यों कटाते हैं सिर पे, क्या बाल कटाने का क्या कारण? पूर्णिमा का चांद इसीलिए, बाकी सबका देखो, सप्तमी का चांद है, अष्टमी का चांद, नौमी का चांद, एकाध पूर्णिमा का चांद भी तो होना चाहिए, तो ये है पूर्णिमा का चांद। साथ ही इसमें क्या देखो, जुओं का डर नहीं है इसमें, ये ना जुए कहते कहाँ छुपे भाई, यहाँ तो जंगल ही साफ है, तो साफ सफाई भी रहती है उसके अंदर, ठीक है। कभी आपको ये सोचना नहीं पड़ता आज मैं चीरा बीच से निकालूं, आज मैं चीरा यहाँ से निकालूं, कहते जब बाली नहीं तो भाई चीरा कहाँ से निकालेंगे, क्या तेरे नाम वाला निकालूं सलमान खान या साइड से निकाल लूँ, कहता है भाई सिंपल, तो उस तरह से बड़ा आसान रहता है, हमें उसमें बड़ा शैम्पू लगाऊँ कंडीशनर लगाऊँ कुछ है नहीं, थोड़ा झाग यहाँ होती है, झाग ऊपर की ओर चली जाती है, दैट्स इट। हमें ये नहीं सोचना पड़ता हमारा माथा कहाँ तक है, हमारा माथा ही माथा है हमारा, बहुत बढ़िया है, तो इस तरह से ठीक है। साथ ही भक्त ये मानते हैं कलयुग क्या है, लावण्य केश धारणम, कलयुग में सुंदरता बालों से जानी जाती है, तो भक्त क्योंकि बाहरी सुंदरता की ओर ध्यान नहीं देते, भक्त लोग आंतरिक सुंदरता की ओर ध्यान देते हैं, इसीलिए भक्त लोग क्या करते हैं इसको सफाचट, बाहरी सुंदरता गायब। बात और है कि इसमें भक्त लोग सुंदर देते हैं, लेकिन भक्त लोग बाहर की सुंदरता पर ध्यान इसलिए साफ, और अंदर की सुंदरता पर ध्यान देते हैं, ठीक है। अंदर की सुंदरता कैसे आती है, भक्ति से, नाम लेकर के, कथा सुन करके, ऐसे इसीलिए हम लोग ऐसे रहते हैं, ये ऐसा नहीं कि मोगैम्बो खुश हुआ। हाँ अगला सवाल प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वैसे तो हम जानते हैं कि जैसे राम जी और कृष्ण जी भी नारायण के अवतार हैं, पर फिर भी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या कृष्ण तत्व और राम तत्व एक ही है? हाँ तत्व में दोनों सेम ही है, लेकिन रस में अलग है, राम जी का रस अलग है, कृष्ण जी का रस अलग है। फॉर एग्जाम्पल अगर को बोले मेरे को राम जी के साथ रासलीला करनी है, पॉसिबल है? राम जी बोलेंगे नहीं, ये वाला रस मैं नहीं दिखाता, ये वाला रस किसके पास? कृष्ण जी के पास। तो इसलिए तत्व में वो सेम है लेकिन रस में वो अलग अलग है। जैसे कि मान लो साख्य रस है, सुग्रीव जो है वो साख्य रस में है राम जी के साथ, लेकिन उसमें भी ऐश्वर्य भाव है, ऐसा नहीं कि राम जी के गले में हाथ डालेंगे और राम ये चल लिया भाई, ये अलाउड नहीं है राम जी के साथ। राम जी के साथ साख्य रस है लेकिन उसमें भी ऐश्वर्य भाव है, साख्य रस, अरे उनमें दोनों वाले साख्य रस है, अर्जुन वाला भी है, अगर कृष्ण रेस्ट कर रहे हैं तो फिर अर्जुन प्रतीक्षा करते हैं, जब कृष्ण उठेंगे तब बात करेंगे, तो प्रतीक्षा करेंगे, लेकिन है मित्रता है अर्जुन और कृष्ण में साख्य रस। लेकिन अगर वृंदावन में चले जाएं तो वहां पर सुवल श्रीदाम सखा कृष्ण सो रहे हैं, सो रहा है गैया कौन चराएगा, बेडरूम में जा करके कृष्ण का पांव पकड़ करके बिस्तर से नीचे खींच देते हैं उसको, कहते हैं कन्हैया गैया कौन चराएगा, तो सोता रहेगा, तो ये काम अर्जुन कभी नहीं करने वाला, कहते नहीं भाई कृष्ण रेस्ट कर रहे हैं। तो साख्य रस में भी एक होता है awe and reverence, यानी कि ऐश्वर्य भाव वाला साख्य रस, और एक होता है केवल साख्य रस जो कि वृंदावन में मिलता है, ये तो कृष्ण की टांग खींच कर नीचे ले आए उसको, कंधे पर चढ़ जाए, अर्जुन चाहे द्वारका से कृष्ण बुला लेकिन कंधे पर नहीं चढ़ने वाला हो अर्जुन, कभी नहीं होगा अर्जुन कंधे पर चढ़ जाएगा, कहता कृष्ण गीता सुना मेरे को, कभी नहीं जी। तो इससे साख्य रस में भी वैरायटी होती है, तो इसलिए राम और कृष्ण तत्व में तो सेम है लेकिन रस में दोनों में अंतर है। तो गुरु जी कलयुग में कौन सा रस रिलेवेंट है? देखो फिलहाल तो अभी हमारे औकात किसकी है, कौन से रस की? दास्य रस। अभी हम ना सोचें प्रभु जी मेरे को फीलिंग आती कि मैं तो उनकी गोपी हूं, फिर हमने घाघरा चोली पहन लिया, चोटीला लगा लिया,
राधा ने मारी मिस कॉल, कन्हैया बोले हेलो हेलो आ। ये सब नौटंकी बाजी है और कई लोग शायद यही भक्ति है, पर ये सिर्फ सेंटिमेंटैलिटी है। हमारा फिलहाल तो एक ही रस है भगवान के साथ, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, हम तो प्रभु के दास हैं। लेकिन दास होते 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 भक्ति करते 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 एक दिन जब उनकी लीलाओं में स्वरूप प्राप्त होगा, उसमें कोई रस हो सकता है आपका, दास रस, शांत रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। लेकिन इस सारे रसों में फीलिंग इज दैट ऑफ सर्विस, सेवा की भावना। फ्लेवर अलग अलग है लेकिन फिर भी है सबके सब भगवान की सेवा के लिए। जैसे कि टोमेटो राइस, फ्राइड राइस, टैमरिंड राइस, कर्ड राइस, ये सब क्या है? राइस। लेकिन सबका फ्लेवर अलग अलग है। टोमेटो राइस, टैमरिंड राइस, फ्राइड राइस, फ्लेवर अलग, लेकिन है सब क्या? राइस। इस तरह से शांत रस, दास्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, ये सब का रस का फ्लेवर अलग अलग है, लेकिन सबकी भावना क्या है? प्रभु की प्रसन्नता, उनकी सेवा, ऐसा। लेकिन अभी हमारा कौन सा रस है? दास, कि अब हम तो भगवान के सेवक हैं, वो भी साधना करने वाले दास रस, सिद्ध वाले सेवक बोले रस नहीं, ठीक है जी। जैसे हनुमान जी इज ऑल्सो सदा रहो रघुपति के दासा, लेकिन हनुमान जी का दास होना और हमारा दास होना अंतर है। वो सिद्ध होकर के दास है, अभी हम साधना करने वाले दास हैं, ठीक है जी। हाँ, और किसी का कोई सवाल है? एक, किसी का कोई सवाल है? दो, हाँ बताओ, बोलो बेटा। अरे देखो, अगर कोई व्यक्ति होमोसेक्सुअल हो तो क्या वो भक्ति कर सकता है? कर सकता है। देखो अल्टीमेटली भक्ति का पर्पज क्या है? होमोसेक्सुअलिटी, मेट्रोसेक्सुअलिटी, हेटरोसेक्सुअलिटी, बाइसेक्सुअलिटी, नॉर्मल सेक्सुअलिटी, एबनॉर्मल सेक्सुअलिटी, वट एवर सेक्सुअलिटी, अल्टीमेटली इसके परे जाना है। बजाय कि हम सोचे क्या ये एक्सेप्टेबल है या वो एक्सेप्टेबल है, ये आधा एक्सेप्टेबल है, वो पौना एक्सेप्टेबल है। लेकिन भक्ति का पर्पज क्या है? टू गो बियॉन्ड ऑल काइंड ऑफ सेक्सुअलिटी या सेंसुअलिटी। बेसिकली देखा जाए सेक्स लाइफ का पर्पस क्या है, पशु में अगर हम देखें किसका क्या पर्पस है? प्रोक्रिएशन, दैट्स इट। तो मनुष्यों को भी आइडियल स्टैंडर्ड तो यही है, प्रोक्रिएशन, संतान उत्पत्ति के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। पर मान लो किसी में रजस तमस है तो हो सकता है उससे गलतियां हो जाएं, लेकिन इन पैरल उसको भक्ति करते रहने चाहिए ताकि वो जो रजस तमस है वो निकल जाए एंड द पर्सन कैन बिकम प्योर। सो पर्पस ऑफ भक्ति इज नॉट टू सी वो एक्सेप्टेबल है या अनएक्सेप्टेबल है, भक्ति का पर्पस है इसके परे जाना, ठीक है जी। यस, ओके, और कोई सवाल किसी का? ठीक है जी, सबका बड़ा धन्यवाद। हरे कृष्णा, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, शुभ प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी।